हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा या गुड मॉर्निंग आई थिंक आई एम लाइव आई थिंक आई एम लाइव राधे राधे एवरीबडी गुड मॉर्निंग एवरीबडी हर हर महादेव एवरीबडी रिलीजन गुड मॉर्निंग ठीक है 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 आई होप कि आपका ये जो संडे है, वो बहुत ही बेहतरीन चल रहा टेन थर्टी ए एम वाले बच्चे जो वेट करते हैं मेरे सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच जो आप पहले ही वेट करते हो आज का स्पेशल क्या था सर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे वासुदेवा। गुड मॉर्निंग नंदिनी गुड मॉर्निंग अफसा अफसा वी विल बी का आज इन कॉर्पोरेशन वाला पार्ट शुरू करेंगे हम लोग हाय हितेश हाय चित्रांशु हाय कशिश कल बहुत जन नहीं आए थे कल ना कल आप लोग बहुत जन एबसेंट मारे थे हाँ हम पहले बता देते हैं ठीक है बाद में लगता है लेक्चर देखा है आपने कल क्या भारी लेक्चर हुआ हाय प्रिंसेस ठीक है हाय नीतीश

अब कोई वीकेंड नहीं ठीक है अब सिर्फ स्टडी अब ओनली स्टडी खाली खाली पढ़ने का है ये लिंग जो है वो अपने अपने स्टेटस में लगा लो ठीक है अपने अपने स्टेटस में लगा लो क्या बोल के क्या बोल के भैया रोज एक ही चीज बोलते हो अब समझ में आ गया स्टेटस में लगाना और बोलना भैया आ गए शशांक भैया आपके आ चुके हैं शशांक भैया आ चुके हैं ठीक है नहीं हितेश इट विल बी अ फन डे फन डे ऑफ स्टार्टिंग आप मुझे बताइए चारों पांचों दिन से जब से हमने फास्ट ट्रैक शुरू किया है for this chapter, कि आपको ऐसा एक दिन दिन लगा जिस दिन कि, नहीं यार, आज क्लास में नहीं बैठते हैं यार याद यार, नहीं हो मैं वेट कर रहा है दो काम करना है आपको सबसे पहले ये जो YouTube लिंक है उसको सभी लोग अपने स्टेटस में लगा लो फटाफट इंस्टाग्राम ग्रुप्स यू वांट टू शेयर फटाफट शेयर कर दो नीचे लिखावा लाना चाहिए भैया तो ट भी करना बिल्कुल टैग करना ताकि मैं मस्त आप है? कि आ चुके हैं ठीक है सेकेंडली अगर आपने मुझे अभी तक अन अकेडमी में फॉलो नहीं किया आई नो कुछ कुछ लोगों का कुछ क्लिच आ रहा है ठीक है गोल वगैरह में आप एक बार के लिए कोई भी गोल सेलेक्ट करके मुझे एक बार फॉलो कर लीजिए ठीक है मुझे एक बार फॉलो कर लीजिए yes, yes. हमारी पढ़ाई ही फन से हो रही है सर जी यस यही ये तो है कोई बात नहीं अगर यूज नहीं करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए एक बार क्योंकि आज हम लोग सोगा का यूनिट नंबर वन जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे ऑलरेडी दो फास्ट ट्रैक लेक्चर ऑफ सोगा हो चुका है ऐप में स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आज है टाइम थोड़ा अलग है देखिएगा टाइम थोड़ा अलग है 1:30 पीएम सर क्यों सर थोड़ा सा लंबा सेशन ले रहा हूं मैं आज थोड़ा लंबा सेशन ले रहा हूं ताकि मैं यूनिट नंबर वन को, को दिमाग में सेट कर सकू और जितने बच्चों ने स्पेशल क्लासेस किया है आप मुझे बताइए तो जरूर होगा सोगा अब जरूर होगा ठीक है यूनिट नंबर वन को आज समाप्त कर एकदम सभी लोग स्टेटस नहीं लगाए अभी तक ठीक है दो से लेके पांच ही भैया आज टू टू फाइव एग्जाम है भैया अरे यार कोई बात नहीं बाद में लेक्चर देख लेना आने से प्लीज आना ठीक है यस ऑसम awesome से सोगा होगा बोल रहे हितेश क्या बात है यही कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को और और सर आज सर आपको तो आज मैं मतलब आपके पास मैं बस आ ही रहा हूं आज कैसे सर एक बार अभी आया कंपनीज एक्ट पढ़ाने के लिए ठीक है दूसरा बार मैं आपके पास मैं 130 पीएम इन विच ऐप अनअकेडमी ऐप या फिर आप लैपटॉप से करो तो अनअकेडमी डॉट कॉम में आप मेरे लेक्चर्स को देखोगे सोगा आज यूनिट नंबर वन मेरे साथ याद करोगे ऐसा नहीं समझाने के लिए ठीक है राम राम जी राम राम ठीक है सबने स्टेटस लगाया नहीं है अभी सब लोग भर्ती नहीं हुए यहाँ पे सबको बुला लो एक बार के लिए अपना अपना आर्मी का पावर दिखाओ अपना आर्मी कितना स्ट्रांग है ठीक है हम लोगों को ऐसे नहीं बुलाते कि करके देखो उनको बोलते हैं आप एक बार आओ फिर आप कभी जाओगे नहीं प्यार हो जाएगा आपको ठीक है लेक्चर से लेक्चर से ठीक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा यूनिट पढ़ना है भैया कौन सा यूनिट पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो वैसे तो आगे आई सपोज आई डू इट बिकॉज अभी कंपनीज uh, एक्ट चल रहा है फिर उसके बाद में सोगा होगा, उसके बाद में विल हैव इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यस फ्रॉम ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन ऑल्सो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा रेगुलर का क्वेश्चन अपन करेंगे ठीक है वो भी स्टार्ट करेंगे देन सर आज और क्या होने वाला है सर आप बताइए ना सर एक्साइटमेंट इतना क्रिएट कर दिया है अभी टेन थर्टी ए एम में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनीज का यूनिट नंबर के बारे में ठीक है सर फिर उसके बाद 1:30 थर्टी पी एम आई वॉन्ट एवरीबडी टू फॉलो मी एंड टू ज्वाइन आज जितने भी लोग लाइव है सबके सब आएंगे मैं बता रहा हूँ सोगा का आज बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है तो रेगुलर ही होता है बट आज जो है बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है ठीक है भैया लॉ पढ़े पढ़े पढ़ाने हैं सीए फाउंडेशन चैनल पे हमको देखना चाहिए हितेश आई कैन नॉट इन आई एम नॉट सो मच अवेयर वेरी न्यू सिस्टम सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट द सेम सॉरीप नहीं करता हूँ आपका मर्जी आपको मन ठीक है? अच्छा, अच्छा, अच्छा और क्या था सर और क्या था एक तो मैं अभी आ गया आपके पास मैं कंपनीज एक्ट का एक डिफिकल्ट पोर्शन को आज स्मूथ करने के लिए ठीक है सर आपकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है हेल्प मी गो टू अन सीए फाउंडेशन प्रो गो टू अभी है ना अभी अभी करो अभी करो देखो उसमें प्ले लिस्ट में जाओ उसमें देखो भैया का फोटो दिख जाएगा आपको हाँ एकदम खराब शक्ल वाली जो है ना खराब शक्ल वाले इंसान ठीक है चश्मा पहने हुए विश्वास नहीं करो कि चश्मा है मेरा ठीक है वो वाला एल एल पी यस सर एल एल पी पांच मार्क का आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे डोंट वरी अबाउट इट ठीक है थोड़ा स्कॉलर स्कोलो मिल जाएगा थोड़ा अभी नए आए आएगा आप लोग अगर सपोर्ट दोगे तो हम लोग भी एकदम टॉप में पहुंच जाएंगे आपके सपोर्ट की वजह से ही होगा ठीक है और सर और क्या होने वाला अब भी सर आप ना बता नहीं रहे हो सही है सबने स्टेटस लगा लिया मैं मुझे कंफर्म कर सब सबने स्टेटस लगा लिया स्पेशल क्लासेस में सबने अपनी अटेंडेंस एनरोल कर ली है क्या स्पेशल क्लासेस में वन थर्टी पी एम सोगा का यूनिट नंबर वन सिर्फ 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 फास्ट ट्रैक सर मतलब क्या याद करवा देंगे क्या सर बिल्कुल याद करवा देंगे फिर सर ट्यूजे से और क्या होने वाला है सर ट्यूजे से हम लोग क्वेश्चन करने वाले का सर पे में उसके बाद सोगा हम लोग खत्म करके फिर सर वन शॉट भी करेंगे क्या बिल्कुल करेंगे वन शॉट भी करेंगे सर पापा आप इतना कुछ करवाओगे और भी कुछ ऑफर है क्या हाँ सर सर आज चार बजे में आ रहा हूँ चार बजे आ रहा हूँ अगर है आपके दोस्त है और अगर आपको डर लग रहा है चैलेंज फॉर यू मैं आ रहा हूं 23 के को। में इस बार मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए अगर लास्ट टाइम का

एक्सक्लूसिव प्राइस ऑल्सो यूज माई कूपन साबुटेन और आपको मिलेगा मस्त मस्त डिस्काउंट साबुटेन साबुटे साबुटेन ठीक है साथ में संकल्प बैच भी चल रहा है अगेन एमिंग फॉर जून ट्वेंटी फोर एग्जाम अगर आप के कोई फ्रेंड है जो जून 24 फोर अटेप में दे रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट में लेने वाले हो या फिर फ्यूचर में आप दिसंबर पार करने के बाद इंटरमीडिएट में मेरे से पढ़ना चाहते हो लॉ और मुझसे प्यार है आपको बहुत ज्यादा एंड इन दैट केस यू कैन यूज माय कोड सो दैट उसको इंटरमीडिएट करो बाई मंडे इटवी रेस कर दिया है कि जो भी बच्चे मुझे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं वो गोल में इशू आ रहा है तो एक बार आप इंटरमीडिएट सिलेक्ट करके कर लो एक बार ऐसी कोई भी गोल सेलेक्ट कर लो बाद में ऑप्टोमेटिकली चेंज हो जाएगा आपका टेंशन की बात नहीं है कोई भी इशू होगा तो आपको अन अकेडमी टीम हेल्प कर देगी बट आप फॉलो कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे ठीक है हाँ जी सर ठीक है सभी लोग जो है सब लोग स्टेटस वगैरह तो अब लगाओ मत कुछ भी मत लगाओ अभी मैं स्टार्ट करने वाला भारी लेक्चर ठीक है सब लोग एक बार तैयार रेडी ठीक है यस सर सर शुरू शुरू कर दो, अभी पढ़ा शुरू कर दो दो अभी एकदम हम लोग पढ़ना चाहते हैं ओके सर ठीक है चलो सबसे पहले जितने बच्चे लोग भी इतने दिन से पढ़ रहे हैं ठीक है मैं वापस डिटेल रिवीजन नहीं कराऊंगा जिन्होंने भी इसके पहले के लेक्चर्स नहीं किए हैं पहले वाले लेक्चर्स में जाओ और सारे के सारे करके आओ ठीक है सारे लेक्चर्स करो स्पेशली अगर आपका एक बार भी कंपनीज एक्ट पहले पढ़ा हुआ है तो जो लास्ट लेक्चर था आई गेस लेक्चर 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 नंबर 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 ठीक है दिस इज इज आई बिलीव इट तो नंबर फाइव जो है ना लेक्चर नंबर फाइव वो देख के आओ सबसे पहले तो लाइक कर लो वीडियो को पहले ठीक है सब लोग देखो एक बार के लिए हाँ एक बार कर लो एक बार कर लो अशोक कोई दिक्कत नहीं एक बार कर लो बाद में ठीक करवा लेंगे कोई दिक्कत नहीं इंटरमीडिएट में भी तो समझ रहे हो ना

टू टू क्लॉज क्लॉज स्मॉल कंपनी सर सेक्शन नंबर याद हो रहा है आपके साथ में बिल्कुल लेक्चर देख के आइए सर अगर इनकेस पढ़ा हुआ पिछला लेक्चर देख लीजिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर टू क्लॉज टू क्लॉज सिक्स क्या था सर प्राइवेट कंपनी क्या था सर प्राइवेट कंपनी अच्छा अच्छा हाँ सर टू क्लॉज सेवेंटी वन क्या है सर पब्लिक कंपनी क्या है सर पब्लिक कंपनी क्या है सर पब्लिक कंपनी ठीक है क्या 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 था सर 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 ठीक है है उसके अलावा पढ़े थे किसी को याद है? 2 clause 87 तो किसी को याद होगा मेरे हिसाब से 2 clause 87 तो किसी को याद नहीं होगा मेरे हिसाब से चांस ही नहीं है भैया अच्छा सेक्शन नंबर वन तो हम भूल ही गए टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी क्या बात है ब्यूटीफुल यार

ठीक है फिर लिखता हूं टू क्लॉज सिक्स असोशिएट एसोश ठीक है सेक्शन नंबर थ्री क्या था सर ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट सर क्या जिसका मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर प्राइवेट कंपनी हुआ तो दो मेंबर प्राइवेट हुआ तो दो मेंबर पब्लिक तो हुआ तो एटलीस्ट सेवन मेंबर्स और ओपीसी हुआ तो वेरी गुड टू क्लॉज फोर्टी सिक्स याद है भैया ओपीसी हुआ तो वन मेंबर ये कहा लिखा हुआ सेक्शन नंबर थ्री में ठीक है चलेगा फिर निधि पढ़ा था अपन ने पी पढ़ा था PFIs पढ़ा था निधि पढ़ा था डॉर्मेंट कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट अभी जब मैं ट्यूजडे से आपके साथ में कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि भैया एक काम करना आप प्लीज क्वेश्चंस करवाना हमें ट्यूजडे से अपन ठीक है मंडे ट्यूजडे से मतलब अपन शुरू कर देंगे क्वेश्चंस आल्सो एंड यू विल बी अमेज्ड लोगों को जो डर लगता है ना कि भैया कैसे करेंगे क्या करेंगे आप एक बार टॉपिक कर लिए ना अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आप ही सोल्व करोगे बैठ के लिख के सोल्व करोगे मेरे साथ में लिखोगे आप ठीक है मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको और आपको लिखना है मेन की की पॉइंट साथ में लिखना है ठीक है

इट विल स्टार्ट फ्रॉम ट्यूजडे अपन जो है ना क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कंपनी कंपाइल कर दिया गया है सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है तो मैं कैसे करूंगा मैं बोलूंगा देखो क्वेश्चन नंबर वन कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल पूछ रहा हूँ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है कब कब लिफ्टिंग होगा कॉर्पोरेट व्हील में हमें पता है टर्म्स शील्डेड फ्रॉम द कंपनीज एक्शन लिफ्टिंग में तीनशोर मैनेजी पे टेट ठीक है नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड याद है ना आपको वो सारे पार्ट्स आ जाएंगे ठीक है सब ने स्टेटस नहीं लगाया तो मैं थोड़ा सा नाराज हो गया हूँ ठीक है लोगों को नहीं बुलाया आपने ठीक है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ इन कॉर्पोरेशन और लोग ही नहीं आए अभी तक ठीक है हेल्प करो मुझे प्रभु हेल्प करो ठीक है ताकि लोग बाग मेरे पास आ जाए और ये जो टॉपिक है वो पढ़ ले ठीक है टाइमिंग इज ऑलवेज टेन थर्टी ए एम और यूट्यूब हार्दिक ठीक है अभी फॉलो कर लेना मेरे को टेन थर्टी ए एम ठीक है टेन थर्टी ए एम में मैं आने वाला हूँ आपके शशांक भैया आने वाले ठीक है आइए सभी लोग फटाफट स्टेटस में लग गया सब लोग तैयार हो ठीक है सर नाश्ता कर रहे थे सर नाश्ता कर रहे थे सर अरे यार अभी आ जाओ यार नाश्ता करते करते देख लो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है आइए ओके लेट अस टॉक अबाउट इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी सर एक इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कैसे होगा सर इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कैसे होगा सर इन कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है इन कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को स्टार्ट करना कंपनी को क्या करना स्टार्ट करना ठीक है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना यानी कि कंपनी को स्टार्ट करना तो सबसे पहले सर होता है पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रमोशन सर प्रमोशन क्या होता है सर जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है ठीक है टू ब्रिंग द कंपनी इंटू एक्सिस्टेंस ऑल द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड ऑल द स्टेप्स ऑल द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कंपनी इंटू एक्सिस्टेंस सारे के सारे वो कदम जो आपको लेने हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसको हम कहते हैं एज प्रमोशन क्या कहते हैं एज प्रमोशन ठीक है सारे बच्चे जितने पढ़ने वाले बच्चे सब ज्वाइन करेंगे भैया जिनको पास करना है टाइम पास नहीं है अपने पास में ठीक है आइए सब पढ़ने वाले बच्चे हैं है, सब पास होने वाले बच्चे हैं ठीक है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज प्रमोटर सर ये प्रमोटर क्या होता है प्रमोटर सब प्रमोटर वो इंसान है सब प्रमोटर वो इंसान है जिन्होंने कंपनी का जन्म दिया है कंपनी का जो एक होता है ना क्यों होता है ना दिमाग में आइडिया लेकर आया कंपनी को शुरू करने वाले लोग को क्या बोलते हैं प्रमोटर है. कौन है प्रमोटर वो, वो है जिनका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कंपनी का प्रोस्पेक्टस मतलब जो शुरू का डॉक्यूमेंट होता है ना इनिशियल डॉक्यूमेंट जिसको देखकर आप जो है कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे वो सोचते हो तो जिनका नाम Prospectus में मेंशन किया हुआ है या फिर कंपनी के रिटर्न में पहला पॉइंट क्या बोला मैंने प्रमोटर अंडर है, 2 clause 69. कौन है सर? वो जिनका नाम प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न में प्रमोटर वो है जो कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं ना जितने भी अफेयर्स ठीक है उनको कंट्रोल करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताकि कंपनी के अंदर कोई भी अफेयर्स ना हो अरे सर

ठीक है सभी लोग को बुला लो फटाफट बता रहा हूं मैं ठीक है फिर ये टॉपिक वापस नहीं रिपीट होगा प्रमोशन प्रमोटर कौन है प्रमोटर कौन है एस पर सेक्शन टू क्लॉस सिक्स प्रमोटर वो है जिनका नाम प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न में जिनका नाम प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न में लिखा रहता है जिनका नाम प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न में लिखा रहता है नंबर टू जो कंट्रोल करते हैं अफेयर्स जो कंट्रोल करते हैं क्या अफेयर्स चाहे चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली नंबर थ्री जिनका एड से जिनका एड से एड सर एडवाइस इंस्ट्रक्शन एंड डिरेक्शन एडवाइस इंस्ट्रक्शन डिरेक्शन ठीक है एडवाइस इंस्ट्रक्शन और के थ्रू बोर्ड जो है ना उनको फॉलो करना पड़ता है उनको हम कहते हैं एज प्रमोटर तो सर अगर प्रमोटर का डेफिनेशन आ गया सबसे पहले तो हमको सबसे पहले तो हमको आप बताइए कि डेफिनेशन क्या है प्रमोटर का एवरीबॉडी एवरीबॉडी टेल मी

और प्रमोटर टू क्लॉज 69 ठीक है प्रिंसेस हितेश ठीक है हार्दिक सभी लोग अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो अपने ग्रुप्स अभी तक शेयर नहीं किए बच्चे नहीं आए अभी तक बच्चे नहीं आए ठीक है सबको बुलाओ सबको बुलाओ सब अपने स्टेटस में लगाओ फटाफट 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 लगाओ मैं वेट कर रहा हूं मैं फटाफट लगाओ सब लोग याद करेंगे प्रमोटर का मतलब क्या है टू प्लस सिक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या लेगा नेम 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 लिखिए साथ में लिखिए नेम हैज बीन इन द नेम हैज बीन प्रोस्पेक्टसिनशन इन द प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न नेम हैज बीन मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न बोल नहीं रहे हो साथ में प्लीज बोलो ना सुनो ना सुनो ना बोलो ना प्लीज हाथों बोलो ना याद करवा रहा करवाओ साथ में ठीक है हुज नेम हैज बीन मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न जिनका नाम Prospectus या फिर annual return में लिखा हुआ है 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 जो जो करता 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 किसको 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 को को कंपनी चाहे डायरेक्टली चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली और जिनके ए आई डी से ए आई डी मतलब इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन से कंपनीज आर अकस्टम टू फॉलो कंपनीज आर वॉट अकस्टम टू फॉलो बट सर सुने ना ऐसे सीए है आप जैसे सीए बनने वाले सभी के सभी यहाँ पे बच्चे सीए बनने वाले ठीक है? है सीए बनने वाले सीए हार्दिक है सीए हितेश है सीए प्रिंसेस है इफ आम, इफ आई आई एम एम एक्सपेक्टिंग कि आपका नाम प्रिंसेस है सीए कशिश है बहुत जन कशिश है यहाँ पे बहुत जन सीए ए सी हो गया सी एस हो गया तो ये लोग अगर सोचे एग्जाम्पल मैं आपको कोई एडवाइस दूंगा कंपनी को मैं कोई कंपनी को एडवाइस दूंगा और कंपनी का ऑब्वियस बात है अगर सीए दे रहा है सीए दे रहा है यस सीए ठीक है तो क्या ना सी अगर एडवाइस दे रहा है तो आप मुझे बताइए तो उनको तो मानना पड़ेगा ना अपन लोग ऐसे क्या हल्का फुल्का आदमी है क्या यार अपन भारी आदमी है सीए लोग अपन भारी आदमी है करेक्ट करेक्ट सही सही बात है हाँ, सही बात है है बिल्कुल बिल्कुल सर सर तो अगर मैंने अपने 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 एडवाइस में 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 इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन ठीक है मैंने क्या मैं, क्या मैं कौन मैं कौन अभी फिलहाल मैं सीए ठीक है सीए ने बोला कंपनी को ऐसे करने का ये डॉक्यूमेंट फाइल करने का ऐसे से करने का और कंपनी उसको फॉलो कर रहे हैं तो क्या मैं भी प्रमोटर हो जाऊंगा सर क्या मैं भी प्रमोटर बन जाऊंगा दी आंसर इज नो सर नो सर अगर आप एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप क्या हो एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल बनने राइट अगर आप एक कैपेसिटी में ये चीज कर रहे हो जिससे बाकी लोग लोग फॉलो कर रहे कंपनी के लोग, तो आप प्रमोटर नहीं कहलाओगे आप प्रमोटर नहीं हो ठीक है यानी कि सर प्रमोटर यानी कि टू सेक्शन टू सब टू क्लॉज सिक्स नाइन के तहत वो इंसान जिनका नाम कहा लिखा हुआ रिटर्न नंबर टू जो कंट्रोल करता किसको को जो कंट्रोल करता है किसको

सर प्रमोटर का डेफिनेशन इज नाउ मक्खन प्राइवेट कंपनी टू क्लॉस सिक्सटी एट प्रमोटर टू क्लॉस एट पब्लिक कंपनी टू क्लॉस सेवेंटी वन ठीक है चलो एक बार फटाफट फटाफट बताइएरी कंपनी सर सब्सिडरी कंपनी क्या था जिनमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स मोर देन मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या फिर कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे ठीक है? Yes. है, है? है, है, है? Yes, है यही लिखना है आपको क्या, सर? सर, क्या है सर सर और क्या पढ़ा आपने सर याद नहीं आ रहा सर याद नहीं आ रहा टू क्लास सिक्स पढ़ा आपने एसोसिएट ठीक है सेक्शन थ्री मैंने आपको बता, मैं बताऊंगा करा दिया सारा सेक्शन नंबर याद हो रहा है नहीं हो रहा है

फंक्शंस क्या क्या है प्रमोटर का सर मजा आ गया सर क्या हो रहे नंबर सारा याद हो गया हमको वेरी गुड सर फंक्शन ऑफ द प्रमोटर क्या करना है आपको सबसे पहले यू हैव टू जनरेट दी आइडिया प्रमोटर क्या करता है आइडिया को जनरेट करता है तो जनरेशन ऑफ आइडिया ऑफ द बिजनेस नंबर टू वो क्या करता है फिजिबिलिटी स्टडी देखता है कि जो बिजनेस आप सोच रहे हैं वो फिजिबल है या नहीं है ठीक है वो फिजिबल है या नहीं है नेक्स्ट और क्या क्या डिसीजन लेता है बिजनेस नया शुरू करना है या कोई एक्सिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर ले नेचर कैसा कंपनी फॉर्म होगा कितना ऑथराइज्ड कैपिटल आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या एमओ अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आज हम पढ़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग करवाना कौन सब्सक्राइबर्स होगा मेमोरेंडम का इनिशियल पीपल हु विल बी द कंपनी इनिशियल पीपल जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है इमेजिन अगर आप इमेजिन अगर आप इनिशियल सब्सक्राइबर ऑफ एम के शेयर होते इनिशियल सब्सक्राइबर्स ओ हो भाई साहब जी भाई साहब ठीक है भाई साहब अगर आप एम आर एफ के शुरू शुरू के खरीद लेते हैं शेयर को इफ यू द इनिशियल सब्सक्राइबर्स ऑफ 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 रिलायंस टाइटन ओहो जी ओहो क्या बात है ठीक है यस इट इज जनरेटर ऑपरेटर ऑफ द कंपनी हु कैन इन टू नेगोसिएशन एंड प्री इस इसपे सारा पॉइंट आपको याद नहीं करना है इसको बस अपने लेवल पे कुछ कुछ पॉइंट को करोड़पति करोड़पति आर्थिक इज अ स्मॉल वर्ड भाई करोड़पति इज अ स्मॉल वर्ड ठीक है पूछो क्या सिंपल है ने इसको ना एकदम कॉन्क्रीट तरीके से याद नहीं करना आइडिया जनरेट करने वाला फिजिबिलिटी करने वाला बिजनेस शुरू करने वाला या फिर जो सब्सक्राइबर्स होगा उसको डिसाइड करने वाला एमओ एओ ए सब कुछ वैसा हो ठीक है ये हो तो गया फंक्शन ऑफ द प्रमोटर मैंने खत्म कर दिया आपके साथ में प्रमोशन मैंने खत्म कर दिया आपके साथ में प्रमोटर और मैंने खत्म कर दिया फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर आप मुझे बताइए यहाँ तक बिल्कुल स्मूथ है या नहीं है Is it properly it is properly हाँ सर, सर. दिया टू के कई सारे डेफिनेशन दिया टास्क देता हूं मैं एक देता आपको ठीक है कल के लिए कल के पहले टास्क देता जितने भी सेक्शन नंबर मैंने अभी तक आपको करवाए आप एक शीट ऑफ पेपर में लिखेगा और उसको वन वन लाइन में लिखेगा वो क्या है ठीक है ये टास्क है जितने भी सेक्शन नंबर्स मैं आज आपको करवाऊंगा आज की क्लास के एंड तक वो आप एक शीट में लिखोगे और अपना जो भी कॉपी है जो भी बुक है उसके आगे लगा के उस उसपे एक एक लाइन में लिखने का क्या क्या है ये आपका टास्क है कल तक का ठीक है यस इतनी इजी का कर लेंगे क्या दिक्कत है ओके सेक्शन नंबर थ्री इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी वेरी सिंपल सर कंपनी को फॉर्म करने के लिए ठीक है इनिशियली कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग प्यार इनिशियल लोग होते हैं ना जो कंपनी में ज्वाइन करते हैं उनका नाम क्या होता है ना मेमोरेंडम में लिखा हुआ जाता है ठीक है उनके क्या रखा मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहता उनका ना, न, life, classes, है, तो नाम शुरू में ना सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम इन द लाइव इन ट्रैक है और आपको गारंटी वाला भी कहा था कल वाले क्लास में गारंटी कंपनी कि जितना अमाउंट गारंटीड होता है वो भी मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहता आर्टिकल्स में लिखा हुआ रहता है तो वो सब मैं दिखाता हूँ लाइव क्लास में बट मैं समझता हूँ कि अभी आपके एग्जाम्स है तो मैं उसको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपके साथ में अभी नहीं बोलोगे नहीं बोलोगे हार्दिक आप एक बार लेक्चर देखो इफ यू फील की यू फॉर गेट देट मीन सब बच्चे जितने भी बच्चे शुरू से ज्वाइन कर रहे हैं ना मुझसे पांच दिन छह दिन पहले से इट्स बीन वेरी न्यू फॉर मी बट जितना भी जन ज्वाइन कर रहे हैं सबको यही डर था कि सर लैंग्वेज याद नहीं होता है सेक्शन नंबर याद नहीं होता है आस्क एनी बडी इन द ग्रुप यू कैन आस्क एनी बडी इन द ग्रुप सबको कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया ठीक है इट्स जस्ट हाउ यू स्टडी सर इट्स जस्ट हाउ यू स्टडी इज एज सिंपल एज दैट कोई रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है आप सब याद कर सकते हो कोई ऐसा नहीं है तो याद नहीं कर सकते मैं तो जानता हूं कि आपने अभी तक अपने कैपेसिटी कितना यूज किया है आप मुझे बताइए आज तक आपको पता भी नहीं आपका पोटेंशियल कितना है अभी तक क्या माथा में आपके पोटेंशियल है बताया क्या कि बस 200 लेके आ जाओ 210 लेकर आ जाओ पास हो जाओ यही गलत सोच है आपको पता ही नहीं कैपेसिटी कितना मे बी यू आर आ थ्री प्लस स्टूडेंट यू आर आ थ्री प्लस स्टूडेंट अरे सर क्या बात करते हो तो टॉपर्स के लिए अरे नहीं भाई ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है ये पहले के एग्जाम्स नहीं है ठीक है और आपको अगर सही गाइडेंस मिल जाए और सही रास्ता मिल जाए आपको हैंड होल्ड करके को लेके चला जाए नो हाउ मच योर पोटेंशियल इज इज ठीक है दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस ठीक है क्योंकि आई वॉज लर्नर लाइक यू ऑल वो ना चीजें मैं भूल जाता था मैं भूल जाता भी हूं अभी भी मैं भूल जाता हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स को मैं बेसिक चीजें भूल जाता हूँ ठीक है बट समबड़ी गाइडेड मी समी गाइडेड मी की सुन कर हो जाएगा एंड लाइक मी ठीक है हु नेवर दैट सीरियस ठीक है Was never that serious, मैं करता था, बहुत जनों को शायद लगा भी होगा नहीं लगा हुआ आई डोंट नो बट मुझे फ्रेंकली खुद को नहीं लगा था कि मैं सी ए बन पाऊंगा कभी भी ठीक है तो भाई अगर मैं एक मेरे स्टूडेंट मैं आपको सच बता रहा हूँ क्योंकि आपको बता नहीं है ठीक है इसलिए मैं ना कोई भी जन आता ना किसी के लिए भी आता चैट में भी कोई किसी के लिए बोलता ना मुझे बुरा लगता है क्यों सर ऐसा नहीं है कि सर कॉम्पिटिशन सर ये सब सब सर ये सब सब दोगलापन है ठीक है आपको नहीं पता दूसरा वाला इंसान जो है ना वो कितना स्ट्रगल करके आया है स्ट्रगल कर रहा है अभी फिता ठीक है तो सबका स्ट्रगल अलग है बस आपके लिए बस यही है कि क्या आप मेहनत कर सकते हो यस हार्दिक यस हितेश ठीक है ना यस अब दैट्स द स्पिरिट यार मतलब रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है हमारे हाथ में क्या है हमारे हाथ में है दैट वी कैन जस्ट वर्क हार्ड, राइट? तो वो करो ना यार और पहले से अपने नाम के आगे सीए लगा दो, उसको तो नहीं पता यार यारोटेंशियल क्या अरे आप ये बाकी लोग से देख के किसी को देख के इसका तो इतना पढ़ाई हो गया उसको तो उतना पढ़ाई होगा तो फलाना क्वेश्चन कर लिया उसने तो ऐसे कर लिया कंपेयर करते हो यार आपकी खुद की जर्नी आज अगर आप मुझे पूछोगे ना आपकी भैया सी की जर्नी कैसी थी मैं बोलूंगा एक्स वाई वाला जर्नी समडे आई विल श्योरली शेयर इट्स अ वेरी फनी स्टोरी ऑल्सो बहुत मजा आएगा ठीक है एवरी क्लास इन द लाइव आई यूज टू शेयर माई स्टोरी एंड टू लाफ ठीक है तो मैं आपको साथ भी बताऊंगा बट नॉट नाउ बिकॉज अभी आपका टाइम क्रुशियल है मे बी आफ्टर योर एग्जाम्स या फिर उसके पहले कभी भी विल शेयर बट सबका अलग है सर सब ने मेहनत किया आज भी हम मेहनत कर रहे हैं ठीक है थेके? आज भी रेगुलरली एवरी सिंगल पर्सन इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड तो अभी तो आपका लाइफ शुरू हुआ है यार यू कैन नॉट जस्ट गिव अप राइट नाउ ठीक है एंड दिस इज फ्रॉम हियर अगर किसी को ना शेयर करना है सिर्फ इतना सा पार्ट कट करके शेयर कर देना भाई ठीक है प्लीज एंड इफ इफ इट हेल्प्स वन पर्सन आल्सो ना एक बच्चा भी अगर पास हो रहा है ना मेरी वजह से आई विल से कि आई एम फुलफिल्ड माय जर्नी क्योंकि वो एक बच्चा के साथ उम्मीद नहीं था और मैं आपको बताता हूं इफ यू आर द पर्सन हु आर लुकिंग द वीडियो एट दिस टाइम आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम राइट नाउ इस वक्त में ठीक है इस पॉइंट में मेरे को एक नीचे में कमेंट आना चाहिए मैं सीए बनेगा मैं सीए बनेगा मैं, बने मैं सीए क्या और भी बहुत कुछ बनेगा जो आपका मन है वो बनेगा ठीक है तो रख विश्वास है तेरे साथ ठीक है यस सर आज सर ऑल चार्ज सर। सर। और आप लोगों ने मुझे जोश दिला दिया सर सब्सक्राइबर्स मतलब इनिशियल मेंबर्स जो कि कंपनी में आते हैं पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए मिनिमम सेवन है सर मिनिमम सेवन आठ हुआ तो चलेगा दस हुआ तो चलेगा मिनिमम सेवन है सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू मिनिमम टू ओपीसी में एज द पर्सन यस सर सिंगल है सिंगल रहेंगे शुभ नहीं आ रहा दो दिन से सर शुभ के लिए याद हो है मुझे सिंगल है सिंगल रहेंगे ठीक है नेक्स्ट यस सर एवरीबॉडी जितने लोग भी आए हुए ठीक है अब लोग करने वाला सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर सेवन इज नोन कि कैसे अपने कंपनी को करेंगे नाउ व्हेन यू कम टू सी इंटरमीडिएट इसमें क्या अलग अलग फॉर्म नंबर होता है people, आपको फॉर्म नंबर याद नहीं करना है इट इज नॉट देर इन योर सिलेबस ठीक है फॉर्म नंबर नहीं आपके लिए सिर्फ स्पाइस जो है स्पाइस का ये ई जो है स्मॉल होता है स्पाइस ठीक है ये आपको दिया हुआ है खाली क्वेश्चन बुक में ठीक है सिंपलीफाइड प्रोफार्मा वाला पार्ट ठीक है बट उसके अलावा उसके अलावा यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी अदर फॉर्म्स ठीक है वन सेकंड एक सेकंड ठीक है वैसे तो क्या होता है सबसे पहले आजकल मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकली बता देता हूं कि कैसे होता है ठीक है

स्पाइस फॉर्म आता है ठीक है उसमें क्या होता है थर्टी टू ये भी एक फॉर्म है वो आपको भरना पड़ता है spice form दो पार्ट ए एंड पार्ट बी पहले तो क्या था एक रन फॉर्म पार्ट सबमिट करना पड़ता था फॉर रजिस्टरिंग योर यूनिक नेम ठीक है अभी क्या है नए कंपनीज जितने हैं उनको पार्ट ए में ही अपना नाम को पहले रजिस्टर कराना पड़ता है ठीक है हमें एमओ एओ सबमिट करना पड़ता है इन द रेस्पेक्टिव फॉर्म्स ठीक है तो तो अभी तो ये सिस्टम है मैं ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपको सीए इंटरमीडिएट में पढ़ना है अभी मैं वो जाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा है 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 फिलहाल ठीक ठीक पहले हमको आपको, आपको वो करवाना आइए ये तो हम लोग इंटरमीडिएट में जब आएंगे तो लेट लेट के पढ़ेंगे आराम से ठीक है इन कारपोरेशन ऑफ अ कंपनी सेक्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको सेक्शन नंबर क्या दिख रहा है सेक्शन इन कारपोरेशन का सेक्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको कोई मत बोलो मत बोलो कोई सेक्शन नंबर

ठीक है सबसे पहले एम ओ ए एंड ए ओ ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सर क्या आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बता पाओगे हमें यस सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है ये चार्टर है कंपनी का कंपनी किसके लिए फॉर्म हुआ हुआ है मेन ओवरऑल पिक्चर जो है वो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है वो सब कुछ कहा लिखा हुआ रहता है मेमोरेंडम में मतलब ये बाइबल है तो कंपनी का बाइबल है सर इसको तो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा ही कंपनी अपने मेमोरेंडम के बियॉन्ड जा ही नहीं सकता सर इसके ऊपर क्या डिटेल भी पढ़ाओगे yes, और सर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कहा लिखा हुआ रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ठीक है क्योंकि मेरे बच्चे जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इन पढ़ाई मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ हल्का सा ठीक है बिकॉज आई हैव इन कंपनी सो आई नो ठीक है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना उसका हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ई एमओ एंड ई एमओ का भी से है और है तो क्या करेंगे फिजिकल भरेंगे उसको स्कैन करेंगे फिर अपलोड करते हैं सर इतना हमको चाहिए बता देता है याद रह जाएगा आपको सबसे पहला क्या है मऊआ एंड सबसे पहला डॉक्यूमेंट सात डॉक्यूमेंट चाहिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है

ठीक है रजिस्टर्ड ऑफिस जो है आपका वो क्या होता है सर उसमें इट इज अ प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द कंपनी ठीक है तो जब अभी आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है ना कि आपका आर जो है वो सेट हो गया हो जरूरी नहीं है अभी तक आपने सोचा नहीं कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहा होगा एक बार के लिए टेम्पररी बोलता है टेम्पररी एड्रेस उसको बोलता है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ करस्पोंडेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिस्ड और सर अगर आर सेट हो गया तो, तो आर ओ का देने का अटैच कर देने का आरओ का एड्रेस ठीक है सबसे दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस टू एमओए में सब्सक्राइबर्स का मतलब क्या होता है मतलब इनिशियली जो कंपनी के शेयर खरीदते ठीक है समझ में आया हार्दिक ठीक है ओके सो एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस मतलब एक बार टेम्पररी एड्रेस जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं होता है ठीक है पहला डॉक्यूमेंट क्या था पहला डॉक्यूमेंट क्या था एमओ ए दूसरा क्या था एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टाब्लिश्ड ठीक है इसके लिए फॉर्म है ठीक है जो आप लोगों को बाद में भरना पड़ता है फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस ठीक है That's. दो सात डॉक्यूमेंट थे सर सात डॉक्यूमेंट उसमें दो खत्म एमओ एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज यस सर मज्जा सर नेक्स्ट ठीक है तीन पर्टिकुलर्स है तीन पर्टिकुलर्स ठीक है तीन पर्टिकुलर सर क्या क्या पर्टिकुलर्स है सर? तीन पर्टिकुलर्स सर पर्टिकुलर्स में क्या-क्या डालेंगे? नेम, नेम, सुरनेम नेम है? सुरनेम नेम क्या था, सर? में जो नाम बोलता है नेम्स इंक्लूडिंग नेम्स इंक्लूडिंग वॉट नेम्स सुरनेम रेसिडेंशियल एड्रेस नेशनलिटी ठीक है नेम सुरनेम रेसिडेंशियल एड्रेस एंड नेशनलिटी बता रहा है किसका

आपको तो मैं एकदम पर्सनली मिलने का मेरे को मन करेगा बिकॉज इनिशियल सब्सक्राइबर्स टू माई क्लासेस तो वैसे ही क्या होता है सब सबका नाम चाहिए मेरे को सबका नाम आप सबका क्या चाहिए मेरे को? हितेश आपका पूरा नाम चाहिए नाम, सर आज तो मजा आ गया every subscriber, every subscriber brand, yes, चंदन भी है चंदन देखा इसीलिए मैं बोल रहा नाम सर और भी ऐसा कोई जिसको मैंने मिस कर दिया मेरे को बताने का आपने शुरू से ट्रस्ट किया है भाई बहुत बड़ी बात होती है ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा ठीक है टेंशन मत करो एवरी सब्सक्राइब मेमोरेंडम एवरी सब्सक्राइब मेमोरेंडम अलोंग विद आइडेंटिटी ठीक है तीन पर्टिकुलस्पेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफ व्हाट एवरी एस्टैब्लिश टू द मेमोरेंडम एवरी एवरी सब्सक्राइब मेमरेंडम विदूफ ऑफ आइडेंटिटी पर्टिकुलर ऑफ व सेम सेम पॉइंट आपको ये बताना पड़ता है कि आपके कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे आपके कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे ठीक है सर मुझे नॉलेज नहीं था नहीं तो मैं भी अरे अभी से ज्वाइन कर लेना अभी तो दिल जुड़ गया ना अपना आप रुके हो मेरे साथ में देखने के लिए क्लासेस ठीक है तो बस यही है और क्या है सर यही इनिशियल सब्सक्राइबर्स ही है इनकॉर्पोरेशन कब कर रहे हैं हम लोग आज तो आज ही है सर ठीक है ग्रेट सर ठीक है तो पर्टिकुलर तीन जन का पहला एवरी सब्सक्राइबर मेरे साथ याद करना है और एकदम नोटबुक कॉपी बुक खोल के रखने का ऐसा नहीं कि नॉर्मल बस यूट्यूब क्लास देख रहे हो हाँ भैया पॉपकॉर्न लाइए तो हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा चिप्स चिप्स लाइए तो भैया संडे का मॉर्निंग है भैया हाँ मम्मी चाय बना दीजिए तो चाय ऐसे नहीं पढ़ने का एकदम सीधा बैठने का एकदम ठीक है स्माइल के साथ में खुश होकर कॉन्फिडेंट आगे लिखा हुआ नाम के रहा मेरा स्क्रीन और इसके ऊपर आपका लिखना चाहिए नाम सी के साथ

कि मैं दूसरे कंपनी में क्या हूं डायरेक्टर हूं मेरा इंटरेस्ट है मेरा भाई है कोई कंपनी में ठीक है तो क्या ना मेरा इंटरेस्ट है दूसरे कंपनी में मेरा इंटरेस्ट है मैं चक्कर है दूसरे कंपनी के साथ में लोगों के साथ में नहीं भाई मरवाएगा तुम लोग लोगों के भाई कंपनी में मेरा चक्कर चल रहा है दूसरे कंपनी में चक्कर चल रहा है तो सारा चक्कर चिपका जितना है ना तुम्हारा सब लिख के बताना पड़ेगा कि इसका यहाँ 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 चक्कर चल रहा है कंपनी का कंपनी का ऐसे नहीं मेरा नहीं बोल कंपनी का बोल रहा हूँ सारा चक्करों के बारे में पड़ेगा और कंसेंट भी तो देना पड़ेगा मुझसे पूछा जाएगा ना भाई अरे नॉमिनी बनाने से पहले ओपीसी का नॉमिनी बनाने से पहले उसका लिया कंसेंट लिया था ना आपने रिटर्न कंसेंट लिया था ना वैसे मेरे से भी कंसेंट लो भाई कि हमको डायरेक्टर बनने का मन है या नहीं हमको डायरेक्टर बनने का मन है या नहीं सिंपल ठीक है तो जितने भी चक्कर साताना बताना तो पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफ एनी इंटरेस्ट इंटरेस्ट मेंशन इन दी आर्टिकल्स डिरेक्टर्स के बारे में कहा लिखा पड़ता है आर्टिकल्स में सब्सक्राइबर्स के बारे में कहा लिखा पड़ता है

म्स या फिर बॉडी कॉर्परेट प्लस क्या चाहिए इनका कंसेंट टू एक्ट एज टू एक्ट एज वॉट फिर माफ कीजिएगा ठीक है देखिए इंटरेस्ट ऑफ अदर पर्सन ठीक है इंटरेस्ट ऑफ पर्सन इंटरेस्ट ऑफ पर्सन किस कौन सा पर्सन सर सर यही सर ये जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स है ना वही उनका दूसरा फॉर्म में जो भी इंटरेस्ट है उसको मेंशन कीजिए प्लस कंसेंट ले लीजिए कि हम लोग डायरेक्टर के तरह एक्ट करना चाहते है। है? आपको करवा हैं ठीक है दूसरा क्या है सर एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस एक बार्पररी एड्रेस बता दीजिए जब तक आपका रजिस्टर्ड एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट एस्टैब्लिड नंबर थ्री थ्री थ्री

फिर इंटरेस्ट का भी मेमोरेंडम अरे नहीं रे मेमोरेंडम में केवल क्या लिखा हुआ एवरी टू द मेमोरेंडम फर्स्ट डायरेक्टर्स के बारे में कहा लिखा हुआ रहेगा आर्टिकल्स 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 में तो माफ करने का इन 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 दी 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 ठीक ठीक है है और सर उनका चल रहा है क्या अरे कैसे किसी बातें करो चक्कर मतलब यार दूसरे कंपनी में कोई इंटरेस्ट है का? किसका सर फर्स्ट डायरेक्टर्स का कोई इंटरेस्ट है तो बताओ कोई इंटरेस्ट है तो बताओ इन द फर्स्ट डायरेक्टर्स इन द फर्स्ट इन द कंपनी तो मुझे बताओ ठीक है तो वो भी वो भी क्या वो भी क्या ठीक है वो भी क्या आपको मेंशन करने का है आपको मेंशन करने का सर ठीक है सर समझ में आ गया सर क्लियर है सर वजह आ गया सर ठीक है जी देख सके शायद लैग हुआ शायद मेरे हिसाब से आई थिंक ओके इट्स फाइन ठीक है तो थ्री पर्टिकुलर्स आर डन हाँ सर सारे डॉक्यूमेंट्स कहा था मैंने आपको ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड लास्ट में सेवन ये वाला सेवन होगा ठीक है गलती से सिक्स फाइव लिखा हुआ पे ये सेवन होगा बस खतम हाँ सर खतम yes, अच्छा नहीं हुआ नो no, बोला किसी ने लिख रहे हो कुछ लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए ठीक है माफ कीजिएगा yes, ठीक है तो तीन particulars हो गया, फिर हो declaration, फिर होगा होगा क्या हो दिक्लेरेशन, दो डिक्लेरेशन है, है दो दो आपका। सर क्या है, सर? दो सर क्या है कंपनी ठीक है? हैंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी सर जिसका एंगेजमेंट हो गया है कंपनी के साथ में सर कैसे तैसे याद करा रहे हो सर अरे, कर लो ना भाई ठीक है जैसे एडवोकेट हो गया सीए हो गया सीएस हो गया ये कंपनी जब बनाएंगे तो आपको ही पूछेंगे ना कि सी एस प्लीज मेरा कंपनी बना दीजिए सी एस मैडम प्लीज मेरा कंपनी बना दीजिए प्लीज बना दीजिए ठीक है तो जितने भी लोग एनगेज है जितने भी लोग एनगेज है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और जिनका नाम मेंशन किया हुआ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में किसका नाम लिखा हुआ रहता है डायरेक्टर्स का नाम लिखा था फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम मैनेजमेंट सेक्रेटरी का नाम ठीक है आपको एक डिक्लेरेशन दे डिक्लेरेशन मतलब एक फॉर्म देना है साइन करके कि सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स जो है ना सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट और द रूल्स

इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी चाहे वो सी ए हो चाहे वो सी एस हो चाहे वो सी एम ए हो चाहे वो एडवोकेट uh, हो एक्सेट्रा ठीक है फॉर्म नंबर याद नहीं करना अभी वो आप इंटरमीडिएट में याद करेगा आराम से ठीक है या फिर जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है सर किसका नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है का नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है मैनेजमेंट सेक्रेटरी उसको क्या डिक्लेरेशन देना है सर कि सारे के सारे रिक्वायरमेंट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट और द रूल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड ठीक है एग्जाम्पल क्या है देखो अभी आ, हार्दिक नजर ने मुझे सवाल पूछा था कि भैया कैसे लिखना है ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ये भी चलेगा फॉर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड ये भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है कुछ कुछ वर्ड्स तो आप अमेंट कर ही सकते हो बट की वर्ड्स क्या है सारे रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है ऑफ सारे रूल एक्ट्स एंड रूल्स रूल है या नहीं बस इतना लिखने से हो जाएगा दैट ऑल द द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट एंड रूल्स आर कंप्लाइड इतना भी करने से हो जाएगा इतना लिखने से भी चलेगा इट्स कंप्लीटली फाइन आपको फुल मार्क्स मिलेगा ठीक है तो डिक्लेरेशन दो डिक्लेरेशन है पहला डिक्लेरेशन अपन ने कर लिया जितने भी लोग जितने लोग एंगेज है जितने लोग क्या है एंगेज है ठीक है एंगेजमेंट इसी शायद इसी फिंगर में होता है ना आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा बताइए ठीक है इसी फिंगर में होता है ना एंगेजमेंट हाँ तो फ और जितने भी नाम आर्टिकल्स में लिखे हुए उन्होंने ठीक है, सारे सारे है सर फिर एक आई एन सी नाइन बोल के आया था उसमें भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है किसको किस तरीके से डिक्लेरेशन दे दिया सर जो लोग प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं यानी सी एस सी एस और जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ था यानी कि यानी कि डायरेक्टर्स वगैरह लोग ठीक है सर और भी लोग थे ना सब्सक्राइबर्स मेमोरेंडम जिनका पर्टिकुलस था एवरी सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स डिरेक्टर्स उनको डिक्लेरेशन देना है इनको तो देना ही है साथ में फर्स्ट सा डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर को भी देना है, क्या कि वो लोग कोई कन्विक्टेड नहीं है कन्विक्टेड मतलब उनके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है दे आर नॉट कन्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन टू एफ सॉरी पी एफ एम प्रमोशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट so director change डायरेक्टर चेंज देन टू चेंज द नेम ऑफ द नहीं डायरेक्टर का केस में तो आर्टिकल डायरेक्टर्स अगर चेंज हो रहा है डायरेक्टर का नाम अगर आप चेंज करो ना हितेश्सेंज तो करो आर्टिकल्स जो है आगे जाके पढ़ोगे वैसे तो मैंने कल वाले लेक्चर में भी कहा था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स कैन बी अमेंडेड ठीक है स्पेशल रेजोल्यूशन सेवेंटी फाइव परसेंट मेजोरिटी ठीक है क्या बोल रहा है सर डिक्लेरेशन किससे चीज से चाहिए है? आप ध्यान दीजिएगा ईच सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स ध्यान दीजिएगा दोनों से ठीक है दोनों है एंड

एंड ट्रू टू नॉलेज एंड बिलीफ उसको लगता है कि जितना भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है याद नहीं कोई नहीं। जब तक याद नहीं हो तो तब तक जाने में पहले तो काम करो जिसको जिसको अगर बाई चांस इन केस फोटो लेना यहां तक का फोटो ले लो पहले ठीक है सेक्शन नंबर सेवन है ठीक है सेक्शन सेवन पहले इतना का फोटो ले लो आप लोग फटाफट फोटो ले लो फटाफट सारा याद कराऊंगा जब याद कराए मैंने भेजेगा ही नहीं आपको टेंशन क्यों करते हो थोड़ा पानी पी लेता तब तक तब तक, तक फोटो खींच लो फटाफट फटा लो थोड़ा सा और जूम कर दिया आप लोग के लिए आराम से फोटो खींच लो ठीक है आइए सॉरी सारे पॉइंट्स याद कर रहे हैं लास्ट वाला पॉइंट याद नहीं बस एक बार के लिए लास्ट वाला पॉइंट पहले शुरू करते हैं ठीक है लास्ट डिक्लेरेशन किस कौन देगा एवरी सब्सक्राइबर देगा और एवरी फर्स्ट डायरेक्टर देगा सबसे इंपॉर्टेंट लोग ये फर्स्ट सब्सक्राइबर जो लोग इनिशियली आए और जो डायरेक्टर्स है वो लोग एक डिक्लेरेशन देगा क्या देगा कि सर हम लोग ना कन्विक्टेड नहीं है हमें कभी भी ना हमारे ऊपर कन्विक्शन लेगा हमारे ऊपर कभी भी ना

articles of association a memorandum of association and articles of association number two is what number two is what address of correspondence number two is what address of correspondence Kiss, uh, address of correspondence till the registered office is established address of correspondence till the registered office is established address of correspondence till the registered office is

आपसे पूछ रहे आपसे पूछ रहे बताइए कहा लिखा होता है हिंदी आर्टिकल हिंदी आर्टिकल ठीक है आपका कहीं, कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है किसका फर्स्ट डायरेक्टर्स का पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इंटरेस्ट ठीक है ऑफ द पर्सन डायरेक्टर्स ठीक है इन एनी अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्बेट किसी का कोई चक्कर तो चल रहा है कई जगह दूसरे दूसरे कंपनी में कहीं इंटरेस्ट तो नहीं है इंटरेस्ट तो कहीं नहीं है ठीक है प्लस अलॉन्ग विद उनका कंसेंट चाहिए प्लस कंसेंट ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपके लिए, लिए लिख दिया हाँ. ठीक है? सर, फिर oh, Hi, Kritika, हमेशा लेट हमेशा लेट आओ है ना पर्सन के बोलो मम्मी पापा सबको लगना चाहिए कि बेटा आज पढ़ाई कर रहे हैं क्या बात हो गया ठीक है पर्सन हुआ एग्जाम्पल कौन हो गया सी एस सी एस ठीक है ये लोग हो गए या फिर जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ एस डायरेक्टर्स ये क्या देंगे ये क्या देंगे एक डिक्लेरेशन देंगे कि सारे रिक्वायरमेंट्स जो है ना एक्ट और रूल्स के वो सभी के सभी जो है कंप्लाई हो चुके हैं कौन कौन देगा डिक्लेरेशन कौन कौन देगा डिक्लेरेशन सभी लोग बोलो चिल्ला चिल्ला के बोलो क्या पर्सन हुआ दंपनी यानी कि सी एस ये लोग

All the documents submitted are C C T complete, correct and true. ठीक है अगर आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए सबसे पहले अपने आप को एक बार के लिए तालियां बजाइए ग्रेट एक्सीलेंट ठीक है मजा आ गया सब लोग क्या बात है सर कशिश नेहल ठीक है हितेश हार्दिक मोहम्मद अंसारी प्रिया कृतिका बीच में थोड़ी सी आई ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मतलब एकदम गजब सर याद ही नहीं हो पा रहा था ये वाला पार्ट सर हम लोग से ठीक है याद हो गया और कभी कभी क्या होता है सर कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं कुछ कंपनीज ऐसे होती है तो बैंकिंग कंपनी अब बैंकिंग कंपनीज जो है आपको पता है ना उनके ऊपर एक और एक और कोई रेगुलेटर होता है ठीक है मैंने आपको क्लास फर्स्ट वाला क्लास में लेक्चर जीरो जीरो ठीक है प्यास लग रही है बहुत प्यास लग रही है इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो थोड़ा तो प्यास लगेगा ठीक है तो क्या होता है इनके कोई सेक्टरल रेगुलेटर्स होते हैं सेक्टरल रेगुलेटर्स एबीसी ऑफ लॉज में मैंने आपको कहा था वट आर सेक्टरल रेगुलेटर्स रेगुलेटर्स कौन होते हैं रूल्स क्या होता है लॉस क्या होता है सब मैंने आपको बताया था तो फटाफट डेढ़ घंटे में सब कुछ बताया था मैंने आपको राइट ठीक है तो इन दैट केस सर अगर मैं एक बैंक खोलने वाला हूँ ठीक है आई एम अबाउट टू ओपन प्राइवेट बैंक ठीक है आई ठीक है लोन्स फॉर ऑल दी एस सी एस ठीक है इन सबके लिए एक बैंक खोलने वाला हूँ ठीक है है दैट केस आप मुझे बताइए आप मुझे बात बताइए तो आपको लगता है केवल मैं कंप्लायंस एक्ट का अगर पूरा कर लूंगा तो काम चल जाएगा डोंट यू थिंक कि मुझे इन डोंगुलेटर से भी परमिशन लेना चाहिए अप्रूवल लेना चाहिए राइट अगर मैं स्टॉक मार्केट के लिहाज से कोई म्यूचुअल फंड कंपनी खोलने वाला हूँ केस आई हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ होम आई हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ होम वॉट से राइट तो इनका सेक्टरल रेगुलेशन भी चाहिए तो कंपनी जो रेगुलेटेड है

वट इज अलजोल्यूशन वट इजरी रेजोल्यूशन बट स्पेशलोल्यूशन देख के पास कर सकते हो सर लॉ का डर निकल गया है अब आपसे पढ़ जा कर लव फ्रॉम डेली अरे बहुत बढ़िया जब मैं डेली आऊंगा जाये तो मैं जरूर से जरूर से आपको याद करूंगा वापस से बाई स्पेशल रेजोल्यूशन ठीक है टाइप ऑफ मिस्टेक बट स्टिल बता दिया मैंने आपको करेक्शन करवा दिया ठीक है एक्सेलेंट यहाँ तक सर ये सर सात डॉक्यूमेंट याद हो गया सबको ठीक है सात डॉक्यूमेंट्स हो गया ठीक है एंड क्योंकि सर ना क्योंकि सर आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है मैंने आपको कहा था ना आई एनसी आई एनसी थर्टी टू प्लस फाइस का फॉर्म जमा करते हो तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक है तो विद इन वन डे विद इन वर्किंग डे विद इन वर्किंग डे ठीक है सीआरसी सर याद नहीं करना आपको ठीक है सीआरसी यानी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर शैल इशू अ कोई मिल गया अगर हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को दे दिया सारा डिक्लेरेशन दे दिया सारे सब कुछ सही टाइम से कर लिया तो आपको कोई मिल गया है सर कौन मिला अरे कोई अरे कोई मतलब सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर क्या आप भी सर क्या समझ रहे थे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई मिल गया इन फॉर्म नंबर आई एन सी इलेवन कोई मिल गया मिल गया ठीक है जहां पे क्या क्या लिखा है कंपनी का नाम लिखा हुआ था सी आई एन पता है कि किसी को क्या होता है सर सिन सिन ठीक है सिन सिन पता है क्या? सिन. कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर यस सर ये क्या है सर आप एमसीए डॉट जीओवी डॉट इन में जाइएर तो क्लास में, में, में जाके दिखाते हैं आपको आप किसी भी कंपनी का सिन नंबर टाइप करोगे ना उसका सारा चिट्टा पिट्टा सब कुछ सब कुछ कम कंपनी फॉर्म हुआ है एनुअल रिटर्न फाइल किया ही नहीं किया सब डिटेल्स आपको मिल जाता है ठीक है सिन तब वो इनकॉपरेट हुआ पैन टैन सब कुछ ठीक है क्या मस्त सोल्यूशन आपको बताता हूँ आपको ठीक है वे यू लर्न इन इंटरमीडिएट लाइक अभी तो मैं अपने आपको ना कंट्रोल करना चाहता हूँ ठीक है तो क्या है सर

था समय की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है आकृतिक आपने क्या कहा मुझे बताइए सॉरी, मैंने मिस कर दिया आपका मैसेज को। अरे अरे क्या शिवम? शिवम के लिए ताले है यार। क्या है? क्या लाइन लिखा है आपने ठीक है एक्सीलेंट शिवम शिवम ने क्या लाइन लिखा मजा आ गया शिवम कॉपोरेटे कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर

ठीक है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नॉमिनल फीस एक देना पड़ता है, Registrar companies को देते है. Registrar check करेगा और आपको क्या देगा एक कोई मिल गया मिल जाएगा आपको ठीक है ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ इन कारपोरेशन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इन देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ देखो तो इट इज वॉट इज इज में आई हि डिक्लेयर दैट ऑफ जनवरी ठीक है सब आपने कर लिया है

और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट वगैरह किए हैं इंक्लूडिंग द कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड एवरीथिंग कब तक मेंटेन करना है टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जब तक है जान तब तक कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है ठीक है जब तक है जान तक कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखना है अपने आप को भी मेंटेन करना है और कंपनी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है सर एक एमसीए का साइट जो होता है अब क्योंकि आपने रिक्वेस्ट कर लिया है एंड आई लव यू सो मच ठीक है तो ये MCA का साइट है जहां पे जितने भी, जितने आप सब कुछ पढ़ रहे तो के सारे है? माफ कीजिएगा uh, yes. सारे सर्विसेज देखो यहाँ पे सब कुछ मास्टर डेटा किसी का निकालना आपको कंपनी का कोई डेटा वेटा का निकालना आपको कुछ यहाँ पे आप जो है निकाल सकते हो एमसीए डॉट जीओवी डॉट इन ठीक है yes, ठीक है तो एक बार के लिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको बढ़िया से एक बार वापस रिपीट करते है, है ना? सर जब तक याद नहीं होता तब तो तक तो मजा तो नहीं आता मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है सबको याद हो गया तो एक बार के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नंबर टू एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंट टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश नंबर थ्री तीन पर्टिकुलटिकुलशियल एड्रेस एंड नेशनलिटी ऑफ

promotion formation and management of the company number 2 they are not guilty of fraud for the last 5 years and number 3 all the documents submitted are cct theek hai complete correct and true complete correct and true theek hai aur agar aap koi sectoral regulator ke andar ho to unse bhi aapko declaration chahiye theek hai uske baad आपको जो है आर ठीक है आर यानी कि Central Registration Office आपको कोई मिल गया दे देगा अंडर फॉर्म नंबर आई एन सी इलेवन सर याद करना है कि नहीं ठीक है आपको एक सी मिल जाएगा और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है मैंने आपको एन जो है ठीक है वो दिखाया था आपको आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने दिखाया वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहता है कब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है क्या हुआ सब कुछ लिखा हुआ रहता है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है जब तक है जॉन तिल रेजोल्यूशन तिल, तिल, आपको अच्छे से रखना है बट सर अगर आपने कोई बदमाशी किया तो मतलब जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने थे कंपनी को और आपने जान ठीक है बदमाशी से ठीक है आपने या तो कोई इन्फॉर्मेशन को छुपाया है या तो आपने इनकरेक्ट किया है इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपने दिया है इफ यू प्रोवाइडेड एन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर आपने सप्रेस किया है पूरा बात आप नहीं बताए नहीं नहीं सर मैं सिंगर नहीं मैम मैं सिंगर नहीं हूँ इट्स जस्ट कि मुझे थोड़ा शौक है ठीक है शुड 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 बी 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 बोरिंग बोरिंग मैन नॉट एक्साइटिंग ठीक है तो क्या है इनकरेक्ट करमेशन सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ठीक है अगर ऐसा किया है तो जितने भी प्रमोटर हैं, 447, बड़ा भारी सा का है ये, 447, में तो वैसा नहीं है ठीक like है इट इज लाइक थ्री टाइम्स आपने फॉल्ट किया अगर देखो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रहा है उस वक्त में आपने या तो कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया या फिर इन्फॉर्मेशन कम दिया तो भी आपके ऊपर फ्रॉड लगेगा ठीक है फ्रॉड का सेक्शन लगेगा फोर फोर सेवन चार चार सात ठीक है फोर फोर सेवन ठीक है सेम है सेम है इट इट इज इज द द सेम सेम एंड कोर्ट आर ठीक है अगर कंपनी इनकॉपरेट हो गया सोचो आपने गलत डॉक्यूमेंट वगैरह देकर इंफॉर्मेशन छुपा कर, को अगर, को अगर कर भी दिया उसके बाद अगर पता चला कि आपने गलत कामों से गलत इंफॉर्मेशन दे के सही इंफॉर्मेशन को छुपा कर अगर आपने कंपनी को फॉर्म किया है तो आपके ऊपर भी लाइबल होगा क्या फ्रॉड क्या होगा फ्रॉड सेक्शन फोर फोर सेवन फोर फोर सेवन सर खत्म सर मच्छा सर ठीक है का है 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 ठीक में क्या सर नहीं हाँ फोर फोर सेवन के लपेट में आ जाता है करेक्ट आप देख लीजिए ठीक है आई वोट एक्सप्लेन यू बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ मस्तिया चल रही है चैटो में ना मस्तिया चल रही है इतना भारी सेशन करवाया आप लोग को अरे बिल्कुल बिल्कुल शिवम पहले ट्राई करने का जून में नहीं जाने का अभी ट्राई करो ठीक है पूरा जान लगा दो अपना और चार बजे वाला सेशन और डेढ़ बजे वाला सेशन भी अटेंड करना ठीक है थैंक यू सो मच यार मतलब ये लो ये बस मजा आता है और आपको अगर कमेंट करते हो ना नीचे में तो और अच्छा लगता है यार मतलब उसको तो मैं पर्सनली देखता भी हो आई टेक सडन स्क्रीन शर्ट फिर एग्जाम्पल आपने भेजा ऑल दिस मोटिवेट में मतलब कभी कभी ना अपन भी लो फील करते हैं जिस लाइक यू ना कभी कभी अपन भी लो फील करते कि, कि देखो जन हैं है to, like होता ना विल आई बी एबल टू कम अप विद देम इट्स ऑल इट्स प्योर रियलिटी यू नो बट देन समटाइम्स पीपल लाइक यू समटाइम कोई बोलेगा कि लॉन्ग टर्म में अपने को खराना है ये सब चीज के लिए बहुत जरूरी है सर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या बोर्ड मीटिंग कंपलसरी है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए बोर्ड मीटिंग नहीं चैलन मीटिंग कराना पड़ता है मैडम ठीक है चैलन मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास बाय द मेंबर्स ठीक है आ जाओ आप इंटरमीडिएट में सब पढ़ाऊंगा सोच लो वहां तो कंपनीज एक्ट का 70 मार्क है 70 ठीक है मजा आ जाएगा आपको कहां चले गए हां ठीक है सर ये फोर फोर सेवन कौन लगा रहा है आपके ऊपर कंपनी या फिर आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया गलत इन्फॉर्मेशन देकर ठीक है दोनों का बात एक ही है एक में क्या हुआ आपने इनकॉर्पोरेट ही गलत इंफॉर्मेशन दे किया दूसरे वाले केस में क्या किया करेक्ट आपने? आपने सही बात है बिल्कुल यहां तक नहीं 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 ऐसा नहीं है डायरेक्टर्स सब बैठते हैं सब ऑल द मेंबर्स आर इनवाइटेड में जनरल मीटिंग करवाने के लिए हार्दिक आपको ना एक नोटिस देना पड़ता है नॉर्मल कंपनी के केस में ट्वेंटी देना पड़ता है आपको ठीक है और अगर आपको एक सेक्शन है तो फोर्टीन डेज पहले सबको नोटिस देना पड़ता है नोटिस हैज टू टू बी ऑल द मेंबर्स अगर किसी को भी नहीं दिया ना आप जानबूझ के तो वो जितने भी मीटिंग किया ना वो भी इनवेलिडेड हो जाता है ग्रेट 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 ठीक है वेरी नाइस हार्दिक ठीक है चलो कोई बात नहीं मैं तो तो, था मैंने क्या बताया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया या तो पहले या तो कंपनी के फॉर्म होने के बाद पता चला कि आपने बदमाशी किया तो फोर फोर सेवन तो आपके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है वो है कि ट्राइब्यूनल भी चाहे ना ट्राइब्यूनल भी अगर चाहे कोर्ट भी अगर चाहे ठीक है ट्राइब्यूनल या फिर कोर्ट भी अगर चाहे तो आपके पास आपके ऊपर आपके ऊपर सजा लगा सकता है सर कैसा सजा सर ऑन एप्लीकेशन मेड अगर किसी ने ट्राइब्यूनल में लगा दिया ठीक है ट्राइब्यूनल में लगा दिया कि देखिए सर ये कंपनी जो है ना ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन सप्रेस रहा मेटेरियल फैक्ट को और कोर्ट को आ गया गुस्सा तो गुस्सा के लेवल के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कैसा सजा होगा ठीक है गुस्सा के ऊपर डिपेंड करेगा गुस्सा के ऊपर ओके सर शेयर होल्डर्स भी बैठ सकते अरे जनरल मीटिंग में जनरल देखो मैं बताता हूँ आपको ठीक है ना एक बार क्लियर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन हार्दिक देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मीटिंग्स एक होता है बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं और कंपनी के मैटर्स डिस्कस करते हैं जनरल मीटिंग इज फॉर द शेयर होल्डर्स इट तो जितने भी बड़े मैटर्स होते हैं एंड प्लस सर्टन मतलब स्पेसिफिक मैटर्स जिसको हम लोग प्यार से जनरल बिजनेस बोलते हैं

तो गुस्सा के ऊपर डिपेंड करता है अगर थोड़ा गुस्सा है ट्राइबल थोड़ा गुस्सा है तो वो बोलेगा वो बोलेगा देखो एक काम करो कुछ कुछ अपने मैनेजमेंट में रेगुलेशन लेकर आओ और उन चेंजेस को एमओ एओ में करके लेकर आओ बोलेगा देखो ये सब बोलता ना आप कॉपी मेरे को दिए और बोले कि देखो ये सब गलती है कुछ कुछ सब ठीक करा के लाओ इसको वापस लेना इसको वापस इस, वापस, इस वाले पार्ट को वापस ठीक करके लेकर आओ प्रोजेक्ट तो को बोलते करते हैं अपन सबमिट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल देन दैट केस क्या होता है कुछ कुछ रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट को ठीक करो तो या, यार ये इंसान मुझे समझ में नहीं आया इसको चेंज करो और थोड़ा बहुत ये आर्टिकल्स ऑफ को चेंज करके लाओ अगर मैं थोड़ा गुस्सा अगर थोड़ा गुस्सा है तो ऐसा ऑर्डर देगा लाइब्रेटी दे अनलिमिटेड अरे अरे कंपनी फॉर्म इसलिए किए थे ताकि लाइब्रेटी लिमिटेड ना ना लाइब्रेट अनिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड गुस्सा नंबर टू लाइबिलिटी अनलिमिटेड ठीक है यस सर नंबर थ्री सर और गुस्सा आ गया सर प्लीज ऐसे बात करें मैंने कहा ना इतना गंदा काम करते हो गलत इन्फॉर्मेशन देते हो मिस इन्फॉर्मेशन देते हो तुम्हारा नाम हटा देंगे हम तुम्हारा नाम हटा देते हैं रजिस्ट्रेशन से तुम्हारा नाम हटा खत्म करो तुम्हारा नाम ही खत्म कर देंगे हटाइए खत्म दे नाम ही हटा देगा तुम्हारा ठीक है या फिर अगर गुस्सा बहुत ज्यादा रिमूवल ऑफ नेम किए एक बार के लिए या फिर कंपनी को क्या कर दिया ऑर्डर कर दिए बंद करो ना अच्छा पहले एमओए का ऑफर दिए नहीं पाने ठीक है लाइब्रेड अनलिमिटेड करने के लिए फिर भी तंग फिर भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो नाम हटा दिए अब चलिए कंपनी बंद करिए कंपनी कंपनी बंद बंद करिए कर, कर ठीक है खतरनाक लास्ट पॉइंट तो और मजा आ रहा है ठीक है पास सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट जो मैंने करो भाई साहब भाई साहब भाई साहब जो मैंने करो ठीक है जो मैने करो पप्पा बोलते हैं ट्रेवलर इज द बॉस ऑफ द कंपनी हित पापा नहीं बड़े पापा ठीक है जब लोग तुम लोग यार बताइए ट्राइब्यूनल का ऑर्डर कहा था सेक्शन सब सेक्शन सेवन में उसमें क्या लिखा हुआ जब एप्लीकेशन आप देते हो तो अगर वो थोड़ा गुस्सा है थोड़ा गुस्सा अगर वो है ठीक है अगर थोड़ा गुस्सा है तो इन दैट केस वो आपका रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट को चेंज करने बोलेगा मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए बोलेगा एंड चेंजेस इन दी एमओ ए नंबर टू क्या बोलेगा आपकी लाइब्रेरी क्या हो गई आपसे अनलिमिटेड तुम्हारा नाम एक बार के हटा देगा वो ठीक है तुम्हारा नाम एक बार हटा देगा और लास्ट बोले कंपनी बंद करो या फिर एनी ऑर्डर जो मुझे लगता है है क्योंकि आई आई एम एम द द किंग किंग मैन ठीक तो जो मेरा मन करेगा वही से ऑर्डर ऑर्डर पास पास कर देगा बट करने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले अगर कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर रहा है और ये चीज नहीं दिया ना तो कोर्ट का डिसीजन भी वर्ड हो जाता है ठीक है अगर किसी को भी ओ ओ बी एच ओ ओ बी एच मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट ठीक है आपको सुनवाई का मौका हमेशा मिलना पड़ेगा अगर बिना सुनवाई का अगर बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड के अगर कोई भी मतलब है ना कोई भी सजा अगर डिक्लेयर कर दिया है बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड के तो वो डिसीजन अपने आप में क्या हो जाएगा नल एन वर्ड हो जाएगा दैट इज हाउ पावरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड इज ठीक है मतलब आपको बिना सुनवाई का अगर आपके खिलाफ कोई भी जजमेंट आ गया तो आपका जो डिसीजन भी है ना कोर्ट का वो क्या हो जाएगा नल एंड बॉर्ट तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देना पड़ेगा और ट्राइब्यूनल को सारे के सारे ट्रांजेक्शन जितने भी एंटर किए कंपनी उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा बेसिकली सिंपल सा बात किया है जो है ना वो ये सब कुछ कर सकता है बट आपको एक बार के लिए सुनवाई का मौका देगा और बोलेगा कि देखो एक बार तुम सारा डॉक्यूमेंट्स एक बार तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हमको ला के दिखाओ अगर हमको लगेगा कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है तो हम तुम्हारे ऊपर सजा नहीं लगाएंगे अदरवाइज मैं तुम्हारे ऊपर सजा लगा दू ठीक है सर उसके साथ में सर सेक्शन नंबर सेवन जो है वो क्या हो गया आपका सेक्शन नंबर सेवन ऑफ द द मोस्ट सेक्शन इन चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होता है सर याद नहीं होता सब खत्म ये आपके जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है सर ठीक है आप चाहो तो इसका एक फॉर्म इसका एक फोटो खींच लीजिए आप लोग चाहिए तो ठीक है अलग अलग फॉर्म्स होते हैं मैं आपको अभी याद नहीं करवाऊंगा बिकॉज ये डिसंबर एग्जाम के लिए आपके लिए रेलिवेंट नहीं है इंटरमीडिएट में जब आप आओगे तो मैं ये सब सब कुछ पूरा स्टेप बाई स्टेप पढ़ाऊंगा आपको डोंट वरी अबाउट इट ठीक है सिर्फ फोटो खींच रहा तो खींच लीजिए ठीक है चलिए एक बार के लिए फटाफट आई गिव यू अ मिनट ठीक है इस वाले टॉपिक को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अभी हमारा क्लास का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि बस पढ़ा दिए और चले गए नहीं पढ़ना है याद करना है मजे लेना है ठीक है और फिर इसको छोड़ना है तो मैं एक मिनट दे रहा हूँ मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ आप सब लोग अपने माइंड में एक बार के लिए रिकॉल करोगे सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ सेक्शन नंबर सेवन अभी के अभी याद करोगे और अगर बायचानस आप बुक से पढ़ रहे हो या कोई कॉपी से पढ़ रहे हो तो वहां मार्क करके फटाफट खत्म कर दो योर मिनट ठीक है आई एम गिविंग योर मिनट हाय संजीत हाय संजीत यू मिस्ड आउट सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक संजीत यार ठीक है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अभी अभी करवाया प्लीज इसको क्लास के बाद देखिएगा ठीक है प्लीज देखिएगा ठीक है जितने भी आपके फ्रेंड्स है ना जिसको सेक्शन नंबर सेवन इन कारपरेशन से डर लगता था आप सच्चे से बताओ इस पार्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता था ना आपको है ना होता था ना आपको डिफिकल्टी इस वाले पार्ट में हमेशा होता था डिफिकल्टी ठीक है तो ये याद हो गया आपको बढ़िया से चलिए एक मिनट लीजिए फटाफट एक मिनट फटाफट लीजिए ठीक है जितने भी नए दोस्त हैं आपके उनको जिनको आना है अभी आ सकते हैं क्योंकि मैं नया टॉपिक कराने वाला हूँ इसके बाद अभी ठीक है चलिए फटाफट करिए फटाफट फटाफट दिमाग में सेट करिए सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट फटाफट कर लीजिए दिमाग में सेट कर लीजिए फटाफट चलिए थ्योरी क्वेश्चन चार मार्क का होगा तो पूरा लिखना है नहीं 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 चार मार्क का सवाल ही नहीं आएगा भाई आने से छह मार्क का सवाल आएगा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना अभी कल परसों से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इतना बड़ा आंसर का थोड़ी ना चार मार्क है भाई आईसीआई विल आस्क यू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन डोंट वरी अबाउट इट कर रहा हूं को प्लेलिस्ट वगैरह शेयर कर दिया करो एवरी डे इन द मॉर्निंग मोस्ट लाइकली आई कम इन द सेम टाइम और जैसे हार्दिक ने कहा कि शाम वाला टाइम में रात वाला टाइम में अपन कोशिश करेंगे कि स्पेशल क्लासेस जो है अपने एकेडमी ऐप अप। वो हम उसमें कर ले और आज शाम को चार बजे तो आपको आना ही है ठीक है ताबड़तोड़ मोटिवेशन के लिए ठीक है आई थिंक सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर सेवन जो है वो क्या हो गया है पूरा समाप्त हो चुका है एकदम खल्लास कर दिया है सेक्शन नंबर सेवन को फिनिश मजा सा, सब दे 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 मक्कान सर सब लोग लिख दीजिए मक्खन सर मक्खन एक बार फटाफट एवी बड़ी मक्खन लिख दीजिए मक्खन सर यहाँ तक एकदम ताबड़तोड़ तरीके से खत्म हो गया अपना सर मजा आ गया सर मज्जा ठीक है सर नेक्स्ट सेक्शन कौन सा कराने वाले है सर सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन नंबर नाइन कराने वाले सर सेक्शन नंबर नाइन अगर मैं आपको कहूं अगर मैं कहूं आपको ये सेक्शन ऑलरेडी आता है तो क्या कहोगे अरे सर मतलब क्या बोल रहे हैं सर सेक्शन नंबर नाइन ऑलरेडी आता है हम लोग को हाँ सर सेक्शन नंबर नाइन ऑलरेडी आता आपको. Butter है आपको ठीक है बटर है बटर यस 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 ठीक है कंपनी इज लीगल पर्सन बट नॉट अजन कमेंट द गिटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट कंपनी के पास में खूब सारा पावर है ठीक है कंपनी इनकॉपरेट होता है इट इज आर्टिफिशियल पर्सन इट इज अ वैलिड लीगल पर्सन बट वो कई सारी वगैरह नहीं कर सकता है कंपनी तो वो सब पावर नहीं है ठीक है जितने भी आप फीचर्स आप पढ़े थे ना कंपनी के पहले कंपनी के फीचर्स पढ़े थे आप सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील कंपल्सरी अभी नहीं है बस लिखा हुआ है ठीक है पावर टू होल्ड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी सब कुछ जो आपने पढ़ा था याद है ना पहले पहले

उसके बाद सर आज क्या कराएंगे और अभी कराएंगे हम लोग आपको ठीक है सेक्शन नंबर टेन करवाएंगे आपको बाइंडिंग फोर्स ऑफ द मेमोरेंडम वाला पार्ट करवाएंगे आपको हम और साथ साथ में मैं आपको पहले पहले, पहले आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ठीक है अब जिस भी बच्चा को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिक्कत है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिक्कत है उन सबको यहाँ पे बोल लो आ जाए ठीक है क्योंकि अभी आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम को समाप्त करेंगे और सेक्शन नंबर टेन बाइंडिंग फोर्स बाइंडिंग फोर्स को खत्म करेंगे इज आईसीआई सेक्शन एट कंपनी ठीक है आइए गुड क्वेश्चन ठीक है ओके लालेसन लालेसन लालसन या सेक्शन नंबर टेन के बाइंडिंग फोर्स वाला पॉइंट है वो बताऊंगा मैं क्या होता है आपका ठीक है वो बताऊंगा आपको ठीक है

डॉक्यूमेंट और चार्टर ऑफ द कंपनी मतलब सर, ये का ढांचा है ये कंपनी का सब कुछ है ठीक है ये मेरा सोना यह मेरा बाबू सब कुछ है ये मेरा. क्या है मेमोरेंडम समझ में आया ना सोना बाबू लोग है उसमें तो हो ठीक है यू आर एवरीथिंग ठीक है उस एवरीथिंग का तो पता नहीं बट मेमोरेंडम को कर लेंगे यू विल गेट एवरी थिंग ओके ठीक है

एंड अगर ओपीसी होगा तो एक और साथ में सर विटनेस भी साइन करेगा कौन साइन करेगा सर विटनेस भी एटलीस्ट वंस विटनेस जो है वो साइन करेगा फॉर द सिग्नेचर्स ठीक है वो लोग साइन करेंगे मेमोरेंडम में देखिएगा कि कंपनी जो है लीगल पर्सन है ठीक है कंपनी जो लीगल पर्सन है और माइनर जो है माइनर माइनर जो है माइनर दे कैन नॉट बी द सिग्नेटरी ऑफ द मेमोरेंडम मतलब माइनर जो है वो सिग्नेचर नहीं कर सकता है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन थैंक यू प्रेरणा थैंक यू सो मच ठीक है माइनर के नॉट बी द सिग्नेटरी उसके गार्डियन अगर है उसके कोई गार्डन है ठीक है गार्डियन अगर है अगर कोई गार्जियन है उनके ठीक है आप फोटो खींच लो एक बार के लिए बिकॉज अभी मुझे मुझे मतलब बाय द टाइम आई गेट यू द पीडीएफ एंड एवरीथिंग तो दिक्कत हो जाएगा तो एक बार के लिए आप फोटो वगैरह ले लो लिख लो एक बार के लिए ये वाला पार्ट और उसके बाद में आपको अगर जितना जल्दी मैं एक्सेस करवा सकता हूँ मैं करा सकता हूँ ठीक है ना एवरीथिंग इज नॉट इन माई हैंड एक्चुअली तो गार्डियन जो है गार्डियन जो है आपका माइनर का वो माइनर के बिहाफ में साइन कर सकता है ठीक है सो so, ये तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया मेमोरेंडम का कि मेमोरेंडम क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है चार्टर ऑफ द कंपनी है ये अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइडेड रहता है इट हैज टू बी बाय द पर्सन विटनेस का भी साइन होना जरूरी है ठीक है माइनर जो है माइनर जो है मेमोरेंडम में साइन नहीं कर सकता तो उसके गार्जियन जो है साइन कर सकता है नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ठीक है इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है ऑब्वियसली इसका आपको मैं आपको टास्क दूंगा कि आप मेमोरेंडम में जो है मैं शॉर्ट में यहाँ आपको पढ़ा देता हूं आप लोग आईसीआई का मॉड्यूल से एक बार मेमोरेंडम एसोसिएशन को से घुमा लीजिएगा वैसे तो मैंने सारा टॉपिक्स करवा दूंगा आपको बस एक बार आप लोग ऊपर ऊपर से घुमा लीजिएगा मेमोरेंडम को डीपली हो जाए आपसे ठीक है सर मेमोरेंडम में होता क्या है अभी ये बताओ आप वट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मेमोरेंडम मेमरेंडम तो बताई दी आपको बट स्टिल ठीक है इट कंटेन्स मेमोरेंडम मेमरेंडम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी सर कंपनी किस वजह से फॉर्म हुआ है वट इज द कंपनीज ऑब्जेक्ट्स वो किसमें लिखा हुआ था मेमोरेंडम में पॉसिबल स्कोप क्या है ऑपरेशन का पावर्स क्या क्या है कंपनी का सब कुछ ऑब्जेक्ट क्या है पॉसिबल स्कोप क्या है ऑपरेशन क्या है सब कुछ सब कुछ कहाँ लिखा हुआ रहता है मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहता है ठीक है यस yes, यस yes. ये भी आएगा हार्दिक अभी आगे जाके हम लोग डॉक्ट्रीन्स भी पढ़ने वाले हैं उसी का बेस फॉर्म करने के लिए ये वाला पार्ट में करा रहा हूं आप लोग को ठीक है सबसे so, पहले क्या रहता है मेमोरेंडम में इट इज इट कंटेन्स दी ऑब्जेक्ट्स इट कंटेन्स दी ऑब्जेक्ट इट किस वजह से कंपनी फॉर्म हुआ है ठीक है आप किस वजह से आए हो सीए करने के लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिकम इन वन गो राइट है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या किसी का फाइनेंस का काम करना किसी का कुछ भी करना ऑब्जेक्ट बताना है आपको नंबर टू क्या है पॉसिबल स्कोप क्या है पॉसिबल स्कोप क्या है पॉसिबल स्कोप ठीक है ऑफ ऑपरेशन एंड पावर्स ऑफ द कंपनी ठीक है एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज अ वर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट सर पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब सब सब लोग पब्लिक सब लोग पब्लिक इन जनरल कैन सी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एज वेल एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ठीक है बाय गिविंग अ अमिनल फी ठीक है बाय पेइंग अ नॉमिनल फी एक नॉमिनल फी पे करके आप सभी कंपनीज का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देख सकते हो क्योंकि ये कोई कंस्ट्रेन डॉक्यूमेंट नहीं है ये क्या है पब्लिक डॉक्यूमेंट है पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब इट इज अवेलेबल टू एवरी इट इज अवेलेबल टू एवरी वन ठीक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे डॉक्टर का लाइफ शुरू होता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है ये आपको लिखना है इट इज अ डीम्ड अजाम्शन ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी लोग कंपनी से डील करेंगे ना जितने भी लोग कंपनी से डील करेंगे ना हैज द नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम मैं आपको और इजी कर देता हूं ध्यान रखिएगा ये जानना क्यों जरूरी है समझेगा बात को ठीक है ठीक है हाँ मतलब एक बार के लिए ना वो नॉमिनल फी चेक कर लीजिएगा आई आई थिंक थिंक इट्स इट्स अ टाइपो एरर ठीक है अ टाइपो एरर एक बार चेक कर लीजिएगा ये नॉमिनल फी को ठीक है एक बार के लिए ऐसे तो डायरेक्टली तो अवेलेबल भी रहता है जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर डालोगे तो विल गेट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डायरेक्टली मिल जाएगा आपको ठीक है एक बार चेक कर लीजिएगा सर व्हाट इज अ डीम्ड डीम देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोचिए आपका कोई क्लाइंट है ठीक है और वो से एबीसी लिमिटेड से डील कर लेता है कुछ सामान का डील कर लेता है और वो जो डील किया ना उसका पावर है ही नहीं उसका पावर जो है उसका ऑब्जेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम में दिया हुआ नहीं कि कंपनी के पास ऐसा पावर भी है कि वो डील कर सकता है तो फिर बाद में वो बोलेगा कंपनी को पैसा दिजी, पैसा दीजिए दीजिए कंपनी बोलेगा क्यों पैसा दे हमारे मेमोरेंडम में ऐसा स्कोप ही नहीं है हमारे मेमोरेंडम में ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो हम आपको कैसे पैसा देंगे तो अगर आप फिर रोते रोते जाओगे कोर्ट के पास में सुने ना कोर्ट साहब कोर्ट साहब इन्होंने गलत किया है कोर्ट बोलेंगे बोलेगा

तो कैसे होगा क्योंकि ये डीम्ड है ये क्या है डीम्ड है डीम्ड मतलब ये मान लिया है ये मान लिया है क्या यस एओए इज आल्सो पब्लिक डॉक्यूमेंट सर देख सकते हैं बिल्कुल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर बोथ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो हम ये कोर्ट बोलता है ये मान चुके हैं ये मान रहे हैं कि जितने भी लोग कंपनी से डील कर रहे हैं ना दे हैव रेड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दे हैव रेड इट ये हम अज्यूम कर रहे हैं सर तो बहुत ही खतरनाक बात है ना यस yes. ठीक है इसको हम लोग प्यार से आगे जाके विल रीड इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्ट्रीन एंड आई बिलीव एवरीबडी नोज अबाउट इट इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं डॉक्ट्रीन सर आई क्या जब मैंने डॉक्ट्रीन लिख दी है डॉक्ट्रीन ऑफ वॉट कंस्ट्रक्टिव नोटिस डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक्सिलेंट हार्दिक डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट इज अज्यूम दैट वी है

सर एमओ ए कैसे बनेगा हम लोग को पता नहीं है सर कैसे बनेगा सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आप बोल रहे हो ना उसमें ना सर कैसे बनेगा पता नहीं है बट उसके पहले सर बिफोर आई टेल यू द फॉर्मेट दर आर सर्टन क्लोजेस देर आर सिक्स क्लॉजेस ठीक है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ठीक है और आज मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूँ ठीक है आज मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ मैं आपको बताऊंगा अभी पढ़ाने के बाद बताता हूँ आपको होमवर्क दूंगा मैं देर आर सिक्स क्लोजेस

मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्सोर फोर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइव आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन समझ में आ गया सेवन हमने कर लिया है नाइन हमने कर लिया है टेन हमने कर लिया है मज्जा ठीक है कंटेंट देखिए ठीक है ना सर क्या क्या है सर मेनली सिक्स क्लॉजेस आर देयर इसमें सात लिखा हुआ देखिएगा क्यों है मैं बताता हूँ देखिए नंबर वन क्या लिखा हुआ नेम क्लॉज नेम क्लॉज में क्या लिखा हुआ रहेगा

ठीक है यस ये देखो नेम देख रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑब्जेक्ट देख रहा है? तो ये सारे clauses है, सारे clauses रहे देख रहा है ठीक है सारे क्लॉजेस दिए देख रहे हैं आपको ठीक है क्या ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि क्या क्या काम कर रहे हैं अदर ऑब्जेक्ट उसके अलावा लाइब्रेरी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड यानी कि इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ठीक है ऑथराइज कैपिटल कितना है आपका ठीक है शुरू में कितना अच्छा जैसे चार्जेस होता है आपको कुछ कुछ चार्जेस होता है तो वो सब कितना कितना आपका वो सब भी मेंशन करना पड़ता है आपको यहाँ पे इनिशियल सब्सक्राइबर्स से तो मेमोरेंडम देखिए ये सब इनिशियल सब्सक्राइबर्स से तो मेमोरेंडम थे उनका नाम मेंशन किया हुआ देखिए कितना नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट ये थोड़ा बड़ा होता है ऑब्वियसली इसमें क्लॉज का कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है आपका ठीक है तो वैसे कई सारे क्लॉजेस रहते हैं इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या क्या है सबसे पहला है नेम क्लॉज नेम क्लॉज में क्या लिखा हुआ रहता है नेम ऑफ द कंपनी

कि आप एग्जैक्ट एड्रेस बताइए इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ठीक है तो रजिस्टर्ड ऑफिस सबसे पहला क्या बोला मैंने नेम दूसरा क्या बोला मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट नंबर थ्री क्या है सबसे थोड़ा बड़ा जो होता मेन ऑब्जेक्ट क्या? क्या क्या है वो दिखाते हैं रिलायंस का मेन ऑब्जेक्ट और कुछ इंसिडेंटल साथ साथ के और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है तो कुछ मेन ऑब्जेक्ट होंगे कुछ इंसिडेंटल यानी कि एडिशनल वो बताना आप तो, Next, so, है आपको ठीक है नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लॉज सर लाइबिलिटी है By है या अनलिमिटेड है वो आपको कई सारी चीजें इजी टास्क मैंने आपको सेक्शन एट कंपनी का जब बताया था आपको चेंज इन नॉमिनी ठीक है उसके बताया था ठीक है राइट ना लाइब्रेटी क्लॉज में क्या है कंपनी इज लिमिटेड बाई शेयर बाई गारंटी और इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी कैपिटल क्लॉस से सॉरी कैपिटल क्लॉस किसके लिए देखा इसने कहा था सिक्स ठीक है कैपिटल क्लॉस किसके लिए ओनली इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाई शेयर अगर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है तभी आपको ऑथराइज कैपिटल वगैरह बताना है इफ इट इज दंपनी लिमिटेड बाई गारंटी तो आपका ये वाला क्लॉस आएगा ही क्या नहीं ग्रेट असोसिएशन क्लॉस ठीक है एवरी सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट वन शेयर ठीक है एटलीस्ट दिखा था इनिशियल सब्सक्राइबर दिखाए आपको यहाँ पे ठीक है इनिशियल सब्सक्राइबर दिखाया था ना मैंने यहाँ पे हाँ ये देखिए इनिशियल सब्सक्राइबर तो एटलीस्ट एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा ठीक है नॉमिनी नॉमिनी क्लॉज क्लॉज किसके लिए एप्लीकेबल है टू द ओपीसी ओल्डी ठीक है ओपीसी ओल इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर हु विल बी द मेंबर तो ये छह ही मेन हो गया समझ में आया ना इसलिए मैंने छह बोला आप लोगों को ठीक है ये छह मैंने आपको बोल दिया छह तो रहता ही है और ये सातवां है वो किसके लिए एप्लीकेबल है ओपीसी के लिए इसके लिए एप्लीकेबल है ओपीसी के तो मैंने सारा को एक साथ ही इंक्लूड करवा दिया आपका ठीक है तो नेम क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑब्जेक्ट क्लॉज लाइबिलिटी क्या रहेगा नेम क्लॉज में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या रहेगा द नेम ऑफ द कंपनी द नेम ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में केवल स्टेट स्टेट मेंशन मैंने ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेन ऑब्जेक्ट्स एंड इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स मेन ऑब्जेक्ट्स एंड इंसिडेंटल

तो आप लोग चाहो आप चाहो तो शुरू के लेक्चर देख सकते हो या फिर कल वाला लेक्चर तो डेफिनेटली देख लेना क्योंकि मैंने पूरा पूरा का पूरा जो है उसको रिवाइज है, है? Right? फट, नेम क्लॉज ठीक है रजिस्टर्ड ऑफिस का जो क्लॉज है वो चेक क्लॉज लाइब्रेट क्लॉज कैपिटल क्लॉज एसोसिएशन क्लॉज एंड इन द केस ऑफ ओपीसी क्लॉज ठीक है ठीक ठीक है है मजा आ गया थीके? आज मैंने सारे पिक किए करेंगे ठीक है आई एम होपिंग आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आ गया होगा ठीक है वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जितने भी सीनियर्स है कोई भी है जो हैं बी जस्ट एप्लीकेबल टू डिसम्बर स्टूडेंट ऑल्सो ये लेक्चर जो जितना भी मैं करवा रहा हूँ ये कोई भी जून वाला लोग भी चल सकता है अगर कोई पहला ऐसा बच्चा है जो पहले दिया है और उनका क्लियर नहीं हुआ फॉर एनी केस एंड यू वॉन्ट टू हेल्प लेक्चर शेयर दो प्लीज इट मीन दर्ल्ड टू बी इंटरमीडिएट का भी कोई बच्चा है ठीक है उनको भी आप भेज सकते हो तो अच्छा लगेगा आपको थैंक यू हार्दिक शुरू से देखना और मजा आएगा आज से तो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक शुरू किए हैं ठीक है ठीके? तब भी आपको अच्छा लगा थैंक यू ठीक है एंड कॉल योर फ्रेंड्स ऑल्सो हार्दिक टू वॉच माई लेक्चर्स ठीक है And whatever we have gained is ourselves. This is our strength. Great. But of course, thanks to articles भी, वाले भी दे सकते हैं दे है, सब देख सकते हैं सी एस के बच्चे अगर है वो दे सकते हैं सब दे सकते हैं सीएमए के बच्चे हैं सी ए के बच्चे हैं सब दे सकते हैं सर

एग्जाम्पल ऑडिटर को चेंज करने के लिए ऑडिटर को चेंज करने के लिए रिमूव करने के लिए यू नीड टू पास रेजोल्यूशन सेवेंटी फाइव परसेंट बट आप चाहते हो कि सिर्फ सेवेंटी फाइव परसेंट से काम ना चले आपको उसको बढ़ा बढ़ाकर एसेंट नाइन करना है ठीक है तो इसको बोलता है पावर ऑफ एंट्रेंचमेंट ये भी कहां पे डाला जाता है आर्टिकल्स पे तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा एंट्रेंचमेंट के बारे में ठीक है एंट्रेंचमेंट क्या है मतलब की आर्टिकल्स में जो मैंशन किया हुआ ना उससे भी ऊपर अगर आपको कोई पावर डालना है तो उसको बोलते है पावर ऑफ एंट्रेंचमेंट ये भी कहा मैंशन किया हुआ रहता है इन द आर्टिकल्स में मेंशन किया हुआ रहता है बट सर मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स दोनों का केस में कुछ तो आप मुझे बताइए फॉर्मेट तो आपको याद होगा आपको पता है कंपनी एक्ट में कितने सेक्शन है मैंने पहले कहा था फिर फोर सेवेंटी सेक्शंस, ट्वेंटी चैप्टर्स एंड सेवन शेड्यूल्स रिमेम्बर फर्स्ट लेक्चर ठीक है सारे लेक्चर में रिपीट किया वैसे थो. तो जो सेवन शेड्यूल है ना सबसे पहला शेड्यूल में फॉर्मेट दिया हुआ है क्या दिया हुआ फॉर्मेट कि हम लोग इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ठीक है क्या क्या दिया देखो तो टेबल ए टेबल ए किसके लिए है इट इज एप्लीकेबल फॉर कंपनीज लिमिटेड शेयर्स इट इज एप्लीकेबल फॉर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स टेबल बी में क्या लिखा हुआ है गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल लिमिटेड गारंटी और उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है. ठीक है भैया बुलाना भैया ठीक है हार्दिक भैया बुलाना भैया ठीक है ना सर नहीं भैया सी भैया से क्या था अपना लगता है थोड़ा सा लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल

डी अनलिमिटेड कंपनी ई अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी और सेम सेक्ट ए के लिए भी है एग्जैक्ट ए है उसके लिए क्या है एफ जी एच आई जे सेम ऑफ शेड्यूल वन शेड्यूल वन में आर्टिकल्स का और मेमरडम का दोनों का फॉर्मेट दिया हुआ है ठीक है सर एकदम सेम वही सेम फॉर्मेट में हाँ वही एफ जी एच आई जो है ना आगे वाला फॉर्मेट में टेबल का खतरा भाई यस समझ में आ गया आपको एक बार वापस रिपीट करते हैं एक बार के लिए क्या लिए लिखा हुआ है सर मेमोरेंडम क्या है सर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है ठीक है ये कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशंस के बारे में बताता है इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इट इज रेडिली अवेलेबल टू एवरीबडी वी कैन वॉच वीट ऑलरेडी सीन मेमोरेंडम ठीक है मेमोरेंडम बहुत जरूरी होता है दैट यू आर इट इज अ डीम्ड इट इज अ डीम्ड अजम्पशन कि जब भी आप कंपनी से डील कर रहे हो तो यू हैव डॉक्यूमेंट केयरफुली ठीक है सर उसके अलावा कुछ क्लॉजेस होते हैं सर रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑब्जेक्ट क्लॉज मेन ऑब्जेक्ट एंड इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट लाइबिलिटी क्लॉज कैपिटल क्लॉज कितना होगा इफ इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एसोसिएशन इनिशियल सब्सक्राइबर्स को एटलीस्ट एटलीस्ट एक शेयर लेना पड़ता है नॉमिनिक लॉस इन द केस ऑफ ओपीसी में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट अगर डालना है तो वो भी कहा डालते हम पे डालते कहां लिखा हुआ सर शेड्यूल में लिखा हुआ शेड्यूल वन में आर सेवन शेड्यूल्स उसमें शेड्यूल वन में लिखा हुआ है क्या बोला भाई मिस कर दिया मैंने मैसेजेस प्रिया ने क्या फॉर्मेट्स आया सर हितेश यस सर अमेंडमेंट्स कब करवा रहे हो सर अरे सर अमेंडमेंट के साथ है सर ये ठीक है अमेंडमेंट के साथ करवा के कर स्मॉल कंपनी है उसमें अमेंडमेंट दो करोड़ बीस करोड़ लिखा हुआ है चा, चार करोड़ और चालीस करोड़ हो गया तो लिखवा के रखे हैं ठीक है अमेंडमेंट के साथ है सर ये ठीक है कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ भाई हाँ भैया भैया सही बोला संजीत उन्होंने कहा सर मत बोलो भैया बोलो ठीक है सही बोला देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं आपको एकदम हो सर थक गए हो क्या थक गए हो क्या बताओ कितना तो आपने ऑलमोस्ट <laughs> मिनट्स एक घंटा पचास मिनट पढ़ लिया है बिना रुके बिना थके बिना कुछ करे अभी मैंने टाइम बताया तो लगेगा भाई साहब इतना पढ़ाई कर लिया ठीक है थेके? राइट right? तो एक छोटा सा पॉइंट करवाऊंगा और फिर आज की क्लास को मैं करूंगा समाप्त क्या बात कर रहा प्रेरणा प्रेरणा आपको डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए आप सारे लेक्चर एक बार देख लो ठीक है और एक बार सोगा में आ जाओ ठीक है क्लास करने के बाद अगर डर लग जाए तो बता दीजिएगा yes, और एक बार के लिए किसी भी तरीके से अकेडमी जो ऐप है उसमें फॉलो कर लीजिएगा बाद में अपने आप को ठीक कर लीजिएगा इसमें यस इट शुड बी कन्वर्टेड इन टू अर फेवरेट सब्जेक्ट कभी बोरिंग है ही नहीं सर लॉजिकल है सब कुछ ठीक है समझेगा हारन की समझे कंपनी को सबसे ऊपर क्या है कंपनी के सबसे ऊपर कौन है मम्मी पापा लोग ना सबसे ऊपर कौन है तुम लोग लाइफ लो. में लो, मम्मी पापा लोग लोग ठीक सबसे मेन भगवान मम्मी पापा लोग तो एक्ट सबसे ऊपर में उसके बाद कौन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी अगर कोई भी काम कंपनी अगेंस्ट किया मेमोरेंडम में लिखा हुआ है गन्स में डील करेंगे में लिखा हुआ है इनलीगल है किसको फॉलो करोगे कंपनीज एक्ट को फॉलो करोगे बाइबल कंपनी का बाइबल उसके नीचे कौन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ठीक है अगर कंपनी ने एमओए के अगेंस्ट कुछ भी करने की कोशिश किया नॉट अलाउड नॉट अलाउड एक्ट के बियॉन्ड कुछ करने कुछ किया, not allowed, not allowed, के अगेंस्ट क्या पता अलाउ कर सकते हैं ठीक है फिर एलिगेशन ऑफ ऑथॉरिटी एंड एक्सटर्नल पॉलिसी है ये आपका क्या है हायर की है जो आपको फॉलो करना है ठीक है ठीक है खत्म ऑलमोस्ट डन फॉर टुडे ऑलमोस्ट डन ठीक है लस्ट फ्यू थोड़ा तो सा पुश हो बस बस उसके बाद बस यहाँ तक खत्म करेंगे एंड आज की टॉपिक जो है अफसोस के साथ में खत्म हो जाएगा आज का टॉपिक <laughs> सर क्यों इतना जल्दी क्यों खत्म कर रहे हो अरे भाई सोगा भी पढ़ाना है सोगा भी तो होगा ठीक है सर सोगा में आज यूनिट नंबर वन खत्म कर देंगे हम लोग यस yes. कशिश को मैंने सोगा में नहीं देखा है प्रिया कशिश एवरीबडी आज मेरे को सोगा में देखना है तुम लोग सबको हितेश तो आ रहा है अभी होमवर्क बताऊंगा सर होमवर्क बताऊंगा बहुत इजी होमवर्क दूंगा आपको ठीक है देखो सेक्शन नंबर नाइन तो क्या है वो नॉर्मल फीचर्स हुआ जो कंपनी है वो सब आपको बता दिया मैंने ठीक है सेक्शन नंबर टेन में क्या हुआ बाइंडिंग फोर्स देखो से कोई कंपनी कोई बंदा है जैसे अगर आप कंपनी के शेयर्स लेते हो कंपनी के क्या लेते हो शेयर्स लेते हो तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के जो शेयर्स लेते हो तो आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हुआ है बीच में कि कंपनी बैठा है आप बैठे हो कुछ साइन वगैरह थोड़ी ना हुआ है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है कोई साइन वगैरह तो आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक है तो कहाँ माना जाएगा एग्जाम्पल सोचो बाई चांस हमने पैसे दे दिया कंपनी बोलता है ना हम तो नहीं मानने वाले हैं हम तो नहीं मानेंगे जी आपका ये बात कहा लिखा हुआ है कहा लिखा हुआ है कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में कंपनी एंड सब्सक्राइबर्स जो है उनके बीच में बन गया, एक रिश्ता बन गया है सेक्शन नंबर टेन में लिखा हुआ है ठीक है पढ़े क्या लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शेल वेन रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी कंपनी को क्या कहता है बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स टू द सेम एक्सटेंड ठीक है टू द सेम एक्सटेंड एज इफ इट रेस्पेक्टिवली हैज बिन साइंड बाय द कंपनी एंड इट्स मेंबर मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया ना बन गया है ना उसको बाइंड कर लिया किसको बाइंड कर लिया एज इफ एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है आपके साथ में और कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना भाई अगर उसमें है लिखा हुआ इट इज एज इफ की कंपनी ने साइन किया है और आपने साइन करके दोनों जन ने आपस में मिला के क्या बना लिया है कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है ठीक है चलेगा बिल्कुल यहां तक की बात यस ऑल द मनी इज पेबल बाय एनी मेंबर टू द द कंपनी अंडर बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी ठीक है मेंबर बोलेगा मेरा तो कोई साइन हुआ ही नहीं था हाँ मैंने बोला था मैं शेयर्स लूंगा बट कहीं तो ऐसा साइन ही नहीं हुआ है

डन uh, हमने सेक्शन नंबर सेवन किया रिगार्डिंग इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी प्रमोशन ठीक है डन आज कुछ नया टॉपिक और नहीं करेंगे सबसे पहले फटाफट वाइंड अप करते हैं पार्ट को सबसे पहले हमने क्या था प्रमोशन प्रमोशन में क्या था सर हरे वो एक स्टेप जो आप लेते हो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी उसको हम लोग बोलते हैं एज प्रमोशन प्रमोटर का डेफिनेशन Clause 69, जिनका नाम में में या 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 फिर 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 मेंशन किया है, है। जो कंट्रोल करता अफेयर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिनके AID से advice, and से इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन बोर्ड होता बट अगर यही सेम काम आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में कर रहे हो तो आपको प्रमोटर नहीं कहा जाएगा फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी मेमोरेंडम वाला पॉइंट में या आपको ऑलरेडी आता है

अरे यार इतना लेट कर दिया बताओ एक बार के लिए ओम ओम राजेश को बोलो यार कितना इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दिया प्लीज ओम इस लेक्चर को देखिएगा आप लोग प्लीज ओके आचल हाय आचल देखना प्लीज इस लेक्चर को देखना आपको बहुत काम आएगा ठीक है एवरीबडी प्लीज शेयर दिस लेक्चर ठीक है इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको भी पता है डिक्लेरेशन किसके किसकी तरफ से हमारे तरफ से हु हुए इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी सी वगैरह ठीक है जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा डायरेक्टर्स क्या कि सारे रिक्वायरमेंट्स एक्ट एंड द रूल्स आर और भारी डिक्लेरेशन भारी डिक्लेरेशन किसकी तरफ से

कौन मिल गया सॉरी ठीक है सीओ में क्या मिलेगा आपको सीआईएन कंपनी या कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर हाँ सर 130 पीएम 130 एम वन में सोगा होगा ठीक है होगा सोगा सोगा आज होगा 130 पीएम में ठीक है तो वापस दिखा दूंगा आप सबको यस yes. ठीक है उसके बाद में सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको मेंटेन करना है कब तक जब तक है जहां किसका कंपनी का यानी कि डिजोल्यूशन तक यस सर वाइंडिंग अप तक यस yes, सर अगर आपने कंपनी फॉर्म करते वक्त गलत इंफॉर्मेशन दिया फ्रॉड है फ्रॉड फोर फोर सेवन कंपनी फॉर्म कर लिया उसके बाद पता चला कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन या इन करेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया यह सभी होता है परफेक्शन आप कैसे याद करोगे इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन ठीक है साइंस खत्म हो गया लगता है हमारा आईपैड का कोई बात नहीं ठीक है इनकरेक्ट In इन्फॉर्मेशन या फिर सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दोनों ही गलत है गलत इन्फॉर्मेशन देना और इन्फॉर्मेशन को छुपाना दोनों गलत है ठीक है लाइबल फॉर फोर फोर सेवन कोर्ट भी कोर्ट भी आपके खिलाफ कोर्ट भी आपके खिलाफ ऑर्डर दे सकता है थोड़ा गुस्सा हुआ तो क्या बोलेगा अरे मैनेजमेंट को ऑल्टर करो मैनेजमेंट को ऑल्टर करो और एमओ चेंज करो रहा दूसरा क्या बोलेगा सबसे तो तुम्हारी लाइब्रिटी अनलिमिटेड इसका नाम हटाओ कंपनी का नाम हटाओ तो ठीक है नंबर फोर क्या है? को बंद करो एंड पास एनी ऑर्डर एज मे डीम फिट बट आपको हमेशा क्या मिलेगा ओ ओ पीएच क्या मिलेगा आपको ओ ओ पी एच थेके? और ट्राइब्यूनल सारे ट्रांजेक्शन को कंसिडर करेगा ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दे दिया था सेक्शन नंबर नाइन में वही है सर इट हैज परपेचुअल सक्सेशन आर्टिफिशियल पर्सन है बट वो एक सिटीजन नहीं है कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है वो सिटीजन नहीं है सिटीजन नहीं है मतलब उसके पास मेरे कई सारे हक है बट वो, वो वोट वगैरह नहीं कर सकता ठीक है और फिर मैंने आपको एमओ एओए पढ़ाया था ठीक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह सब कुछ आपको पढ़ाया था ठीक है पॉसिबल स्कोप वगैरह सब कुछ आपको पढ़ाया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको पढ़ाया

प्लस क्योंकि आपने मेरे साथ में इतना प्यार मोहब्बत से क्लास किया है ठीक है तो वैसे भी आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा अभी क्योंकि आपको बहुत कुछ चीज याद हो गया ठीक है तो आपको क्या देखना आपको क्वेश्चन देखना है और वो करना है ठीक है जी सर ठीक है तो विद ऑलमोस्ट थ्रू विद टूडे लेक्चर ठीक है आई होप कि आपको मेरा आज का क्लास जो है मजा आया करके

इफ यू लाइक द वीडियो एक बार लाइक कर दो तो इन केस अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो राइटिंग प्रैक्टिस हाँ कब होगा सोगा का का भी होगा सर आराम से होगा भैया ओके ऑसम लेक्चर थैंक यू सो मच वन थर्टी पी एम मैं दिखा रहा हूँ तो गया पता नहीं चला गया जो है ठीक है सीए फाउंडेशन वन थर्टी पीएम इट्स देर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल कल होगा सर यस क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल कल होगा बिकॉज ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली काफी अंडर रेटेड टॉपिक है जो अभी ओम राजेश जी ने पूछा ना

और और लोगों ने बोला अरे भाई साहब, इतने की है, इतने इतने इतना आसान सवाल आया था में, और इतने लोगों ने गलती किया उस क्वेश्चन में इतने लोगों ने कई लोगों ने गलत गलत कुछ भी लिख दिया कैपिटल में प्रेफरेंस वैसे लिख दिया ठीक है प्रेफरेंस कैपिटल इक्विटीश है ऐसे लिख दिया छह मार्क का सवाल आया था छह मार्क का सर एक क्वेश्चन है मेरा आईसीआई पासवर्ड की वजह से मेरा पोर्टल नहीं खुल रहा है क्या करना चाहिए आई थिंक यू शुड कंसल्ट द आईसीआई का जो वो हेल्प डेस्क है ना हेल्प डेस्क उनको या फिर मेल ड्रॉप कर दो हाँ ah, इंपॉर्टेंट है देखो मैं आपको बताता हूँ ठीक है मैं आपको एक तो बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ ठीक है ना नेवर प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट एनीथिंग पेपर को प्रेडिक्ट मत करो कि ये इंपॉर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट मतलब ऑब्वियसली कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो तो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है तो उसको बस हल्का हल्का ब्रश ऑफ करके चला जाओ और देख के सब जाओ

इवनिंग सर इवनिंग चार बजे अपन मिलेंगे फॉर अ पावर पैक सेशन ठीक है उसमें पढ़ाई नहीं करेंगे उस पर अपन बातें करेंगे हाँ वो तो इतेज आपको मिल जाएगा आई थिंक आईसीआई का हेल्पलाइन नंबर ठीक है ना तो फिर मैं एंड कर सकता हूँ आज के सेशन को आई होप दैट यू ऑल लाइक ठीक है विल मीट अगेन इन ठीक है टिल देन प्लीज टेक केयर ईट हेल्दी का ध्यान रखो बढ़िया से और से पढ़ाई करो एंड दिसंबर को इस बार पार करना ठीक है है रिक्वेस्ट ठीक बाय बाय हैप्पी नवरात्रि हैप्पी नवरात्रि अरे 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 ये कैसे बोल सकता था हैप्पी नवरात्रि इन केस इफ द वीडियो इज़ नॉट स्टॉप हैप्पी नवरात्रि एवरीबडी ठीक है सर आई डोंट नो इफ हैव बीन एबल टू सी नाउ यस ओके बाय बाय टेक केयर आई होप दैट यू लाइक द सेशन वन थर्टी में पहले इसमें ऐप में आने का चार बजे ऑनलाइन है एक ना मेरा लिंक क्रिएट हो जाएगा वन थर्टी एप में ये रहा आपके सामने है और उधर में ठीक है ओके बाय बाय चेक किया दे?